Welcome to Social School. मैं हूं आपकी अनुश्या माम कैसे हैं? मेरे सारे आप आप सब ठीक हो। and I also hope कि आप लोग हो कि लोग आज के सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी क्लास को कर लिया है जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन तो कल हमने एक लेक्चर रखा था जिसमें हम लोगों ने बुक वन का मैराथन रखा था तो आई होप सारे बच्चों ने वो लेक्चर देख लिया है इसी चैनल पर लाइव वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा आज के क्लास में हम लोग बुक टू पॉलिटिकल साइंस का मैराथन रखने वाले हैं मतलब बुक टू के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम आज के ही इस क्लास में खत्म कर देंगे तो ये मैराथन है अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए एनसीआर वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मैं इस चैनल पर ऑलरेडी करा चुकी हूँ आप वहां से भी अपना रिविजन कर सकते हो तो एक मिनट मैं बस चेक कर लूं कि क्या हम लोग लाइव हैं फिर करते हैं स्टार्ट ओके सबको हाय ऋतिका हाय सुमन गुड इवनिंग कैसे हो आप भूमि आशी प्रभनूर आर्यन सबको हाय मंजू गुड इवनिंग तमन्ना हाय निखिल हेलो ओके चलो यार तो सेशन स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको तो पता ही है क्या करना है जल्दी जल्दी सब लोग इस वीडियो को लाइक करो ऐसे कैसे चल रहा है कि 200 बच्चे हैं क्लास में और लाइक्स इतने कम है इतना तो तुम कर सकते हो अपनी दीदी के लिए जल्दी जल्दी सब लोग लाइक करो सेशन को अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करो सबको बताओ मैम लाइव हैं फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट हाँ सबको हाय चलो यार तो करें अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट ठीक है तो आज की क्लास में लाइक आई सेड मैराथन है एक बार देख लेते हैं कि हमारा टारगेट क्या क्या है आज के क्लास में हमें क्या, क्या क्या कवर करना है तो ये हमारा सेकेंड बुक का सिलेबस है आठ चैप्टर आ रहे हैं हमारे एंड उन चैप्टर्स का नाम क्या है? एक है चैलेंजेस ऑफ़ नेशन बिल्डिंग, मार्क्स का आ रहा है एरा ऑफ़ वन एक्सटर्नल रिलेशन सिक्स मार्क्स का चैप्टर है ये चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम फोर मार्क्स का आएगा क्राइसिस ऑफ और डेमोक्रेटिक ऑर्डर फोर मार्क्स का रीजनल एस्पिरेशन सिक्स मार्क्स और लास्ट चैप्टर है हमारा रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स तो ये चैप्टर है हमारा एट मार्क्स का टोटल फोर्टी मार्क्स का ये बुक आने वाला है तो हम ये पूरे चैप्टर्स को आज कवर करने वाले हैं अभी तो फिलहाल मैराथन होगा इसके बाद आज नौ बजे को एक क्लास है फ्री क्लास है इस फ्री क्लास का लिंक आपको कम्युनिटी पर मिल जाएगा अन अकेडमी के ऐप पर होगी ये क्लास एंड इसमें हम लोग बुक टू के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं सुपर इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कोई मिस मत करना अभी मैराथन करेंगे फिर 9 बजे हमारा पोल सेशन है चलो यार तो स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से हम शुरुआत करेंगे क्लास का रूल सबको पता है अगर आप लोग रेडी हो सेशन के लिए जल्दी जल्दी फायर इमोजी डाल दो कमेंट सेक्शन में फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट ठीक है अभी तो यार मुझे कुछ फायर इमोजी दिख नहीं रहा है जल्दी से भर दो कमेंट सेक्शन को फायर इमोजी से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं ओके okay. रितिका बोल रही है दीदी फर्स्ट बुक रितिका बहन कल कर लिया हमने हम्म अभिषेक एक रिडल है फर्स्ट बुक का पोल सेशन लास्ट वीक हो गया था अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक भेज दूंगी ठीक है परसों हुआ था शायद या कब हुआ था दो-तीन दिन पहले हो चुका है चलो यार काफी सारे फायर इमोजीज दिख रहे हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को ठीक है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर में हमें बेसिकली ये समझना है कि जब हमें आजादी मिली उसके बाद सब कुछ बहुत ज्यादा आसान नहीं था 1947 के बाद हमने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करा उन चैलेंजेस को एक एक करके हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये बात है फोर्टीन और फिफ्टींथ ऑगस्ट के मिडनाइट की 1947 की इंडिया को आजादी मिलती है एंड जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एंड uh, पहले प्राइम मिनिस्टर बन, बनने के बाद नेहरू जी हमारे क्या करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्पेशल सेशन लगाते हैं एंड उस रात को एक फेमस स्पीच देते हैं नेहरू जी एंड उस स्पीच का नाम होता है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी ठीक है तो ये नाम हमें याद रखना है यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं तो ये वो मोमेंट था जिसके लिए सारे इंडियंस वेट कर रहे थे जैसे ही हमें आजादी मिलती है देर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरी वन अग्रीड इंडिया में बहुत सारे लोग हैं सारे लोगों के अलग अलग सपने थे अलग अलग एस्पिरेशन थे इंडिया को लेकर पर दो ऐसे गोल्स थे जिन्हें लेकर सब एग्री कर गए कि हाँ ये तो इंडिया में होना ही चाहिए एक क्या था आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आर गवर्नमेंट थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ठीक है तो एक गोल क्या था कि आजादी मिलने के बाद हम अपने देश में डेमोक्रेसी लेकर आएंगे इस गोल को लेकर सब एग्री कर रहे थे दूसरा गोल क्या था कि अब ये जो गवर्नमेंट बनेगी इट विल बी फॉर द गुड ऑफ ऑल मतलब अब हम भेदभाव नहीं करेंगे एंड हमारी जो गवर्नमेंट है वो सबके ऊपर फोकस करेगी जो सोशली लोग भी हैं उनको भी बराबर ट्रीटमेंट हम देंगे तो ये दो गोल्स थे जिसे लेकर सब एग्री कर गए थे कि ये तो इंडिया में होना ही चाहिए पर ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है ये करके दिखाना काफी मुश्किल रहा एंड 1947 में जब हमारा देश बनता है ना देर वॉज नो अदर कंट्री ऐसा और कोई देश नहीं रहा होगा जिसने हमारे जैसे चैलेंजेस को तो सहा होगा हमारे लिए फ्रीडम उतना आसानी से नहीं आया एक तो ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा एंड उसके बाद भी जब हमें आजादी मिलती है तो क्या होता है देश का पार्टीशन हो जाता है ठीक है तो तीन चैलेंजेस होते हैं ब्रॉडली अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो तीन चैलेंजेस थे जो कि हम लोग फेस करते हैं आजादी मिलने के बाद पहला चैलेंज क्या था वॉज टू शेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड अब हमारे देश में क्या है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हम सबका कल्चर रिलीजन लैंग्वेजेस ट्रेडिशन सब अलग है तो पहला चैलेंज क्या था एक ऐसा देश बनाना जहां पर यूनिटी बनी रहेगी जबकि सारे लोग डाइवर्स हैं ठीक है थीके, इंडिया अगर हम इंडिया कंट्री के बारे में बात करें बहुत बड़ा देश है हमारा डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हमारे देश में काफी लोगों का मानना था कि एक ऐसा देश जहां पर इतनी ज्यादा डायवर्सिटी है ये देश लंबे टाइम तक यूनाइटेड तरीके से नहीं चल पाएगा एंड जब पार्टीशन हो जाता है देश का तो बहुत सारे लोग और घबराने लगते हैं कि आजादी मिलते ही देश बढ़ गया अब जो बचा हुआ इंडिया है वो और ज्यादा ना बट जाए इस इंडिया को हमें यूनाइटेड रखना है ठीक है ये पहला चैलेंज था हमारा सेकेंड चैलेंज क्या था कि हमें डेमोक्रेसी लेकर आना है हमें अपने देश में डेमोक्रेसी को चलाना है अब देखो हमने अपने संविधान वगैरह में तो लिख दिया था कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आना है पर ये इतना आसान नहीं होता कि बस संविधान में लिख दिए और प्लान कर दिया और बस डेमोक्रेसी हो जाएगा तो ये हमारा सेकंड चैलेंज था कि हमें सही में जो भी अच्छी अच्छी चीजें हमने संविधान में लिखी हैं वो सही में हमें इंप्लीमेंट करके दिखाना है थर्ड चैलेंज क्या था कि हमें एक ऐसा देश बनाना था जहां पर सबके वेलबींग के ऊपर वेल ध्यान दिया जा रहा है एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ सेक्शंस के ऊपर फोकस करा जा रहा है हम बराबर तरीके से सबको डेवलप करें ये हमारा तीसरा चैलेंज था अब देखो इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमने काफी सारी चीजें अपने संविधान में लिखी डी फंडामेंटल राइट्स इन सारे चीजों में हमने अच्छी अच्छी चीजें लिखी ठीक है इस दौरान हम ये भी सोचते हैं कि देश की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है देश में गरीबी को हटाना है इकोनॉमी को डेवलप करना है पर यह सब उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा है ठीक है नेक्स्ट पार्टीशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो जब हमें आजादी मिलती है उस टाइम पर पार्टीशन भी होता है पाकिस्तान भी बनता है पार्टीशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था पार्टीशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो फोर्टीन और फिफ्टीन ऑगस्ट का जो मिड का टाइम था नाइनटीन में उस टाइम पर एक नहीं बल्कि दो देश बनते हैं इंडिया और पाकिस्तान ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारे देश का पार्टीशन हो जाता है ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हो जाता है एंड फिर इंडिया एंड पाकिस्तान दो कंट्रीज बनती हैं तो ये जो मुस्लिम लीग के लोग थे ये वही मुस्लिम लीग है जिसके बारे में हम एट में टेंथ में पढ़ते हुए आ रहे हैं ना तो जो मुस्लिम लीग है ये लोग एक थियोरी के ऊपर विश्वास रखते थे इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन बन सकता है इस थियोरी को हम कहते हैं टू नेशन थ्योरी ठीक है तो टू नेशन थ्योरी के हिसाब से मुस्लिम लीग का मानना था कि इंडिया में दो टाइप के लोग हैं एक है हिंदूज और एक है मुस्लिम्स तो दोनों को अलग अलग देश पकड़ा दो ठीक है तो ये था बेसिकली टू नेशन थ्योरी में कहा जा रहा था अब एक चीज का ध्यान रखना हमारी कांग्रेस ने कभी भी टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट ही नहीं करा मुस्लिम लीग इसे सपोर्ट करती थी पर उस टाइम पर कांग्रेस ने कभी भी इस चीज को एंकरेज नहीं करा सपोर्ट नहीं करा ठीक है पर इसके बावजूद उस टाइम पर बहुत पॉलिटिकल सिचुएशन अलग था एंड फिर फाइनली क्या होता है पार्टीशन हो जाता है और पाकिस्तान बन जाता है और पाकिस्तान भी कैसे बनता है अगर ये हमारा इंडिया है तो यहां पर पाकिस्तान और इंडिया के बगल में यहां पर बांग्लादेश है ना तो बांग्लादेश आज के टाइम पर बांग्लादेश है पर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था ठीक है तो इसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था इसे वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था तो इस तरीके से पार्टीशन होता है और पाकिस्तान बन जाता है तो ये उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा एक और सी चीज भी थी कि एक ही देश है पाकिस्तान पर बीच में कोई और देश आ रहा Normally, क्या होता है एक देश का हिस्सा साथ में होता है ना पर यहाँ पर जब पाकिस्तान बना तो इनके दो हिस्से थे और बीच में हमारा इंडिया था ठीक है नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ पार्टीशन तो जब हम लोग पार्टीशन करते हैं ना हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी को फॉलो करा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी का क्या मतलब है कि हम पूरे इंडिया को देखेंगे एंड इंडिया में वो हिस्से जहां पर मुस्लिम ज्यादा है उन हिस्सों को हम पाकिस्तान को पकड़ा देंगे ठीक है तो ये हमारा लॉजिक था कि हम रिलीजियस मेजोरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे इंडिया के वो इलाके जहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं उन इलाकों को हम पाकिस्तान को दे देंगे और बाकी जो एरिया है वो हमारी इंडिया के साथ ही रहेगा तो ये प्लान तो ठीक है सिंपल था पर इसमें भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे तो जब हम ये लॉजिक लगाते हैं तो हमें इंडिया में दो हिस्से ऐसे दिखते हैं जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे ठीक है तो एक तो वेस्ट में था और एक तो ईस्ट में था तो एक जहां पर बांग्लादेश है और अभी जहां पर पाकिस्तान है इन दो हिस्सों में हमें लगता है कि यहां पर मुस्लिम ज्यादा है एंड ये दो हिस्से आपस में जुड़े हुए भी नहीं थे ठीक है दूर दूर थे सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री विल कॉम्प्रोमाइज टू टेरिटरीज तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं ये जो पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान को ये दो हिस्से हम पकड़ा देते हैं अब इसमें भी एक दिक्कत थी ठीक है मान लो कोई एक एरिया है वहां पर मुस्लिम ज्यादा है पर ऐसा भी होता था कई बार कि उन एरिया के लोग वहां पर मुस्लिम ज्यादा होते थे पर फिर भी वो लोग पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे जैसे खान अब्दुल गफर खान की अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे उनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था एंड टू नेशन थ्योरी के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था इनका इन्होंने बार बार अपनी आवाज उठाई कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना हमें पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना पर बाद में इनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता एंड इनकी टेरिटरी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाती है ठीक है नेक्स्ट दीस प्रोविंसेस हैड वेरी लार्ज एरिया वेर नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी कई बार ऐसा भी होता था कि मान लो हमने सोचा कि इस पूरे हिस्से को हम पाकिस्तान को देंगे यहां पर ओवरऑल मुस्लिम ज्यादा पर इस पूरे हिस्से में कुछ छोटे-छोटे हिस्से ऐसे होते थे जहां पर हमें देखने को मिलता था कि हिंदूज ज्यादा थे नॉन मुस्लिम ज्यादा थे तो ऐसे में हमारे लीडर्स अपने प्लान को थोड़ा चेंज करते हैं और वो सोचते हैं कि डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल पर अब पार्टीशन होगा इसका क्या मतलब है कि हम एक एक डिस्ट्रिक्ट करके देखेंगे अगर उस डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम ज्यादा हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान को पकड़ा दो अगर उस डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम ज्यादा नहीं है तो वो हिस्सा इंडिया का ही पार्ट रहेगा ये हमारा प्लान था ठीक है पर इस प्लान के साथ दिक्कत क्या थी प्लान तो बढ़िया था प्लान तो बना लिया हमने इम्प्लीमेंट करना भूल गए तो जब हमें आजादी मिलती है सोचो जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग ऐसे थे जो खुश तो थे कि चलो यार आजादी मिल गई पर वो बहुत कंफ्यूज भी थे कि आजादी तो मिल गई पर हम कौन से देश का पार्ट है हमें पता ही नहीं है ठीक है तो ये सिचुएशन चल रहा था प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी मतलब मान लो एक हिस्सा है ये पाकिस्तान को चला गया ठीक है इसमें मुस्लिम ज्यादा थे और बाकी के लोग हिंदू हैं ठीक है पर हिंदू बहुत कम है तो ये माइनॉरिटी हो गए तो क्या होता था इन लोगों को बहुत परेशान करा जाता 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 था 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 अक्सर इनको बहुत कम टाइम दिया दिया और बोल दिया जाता था कि भाई तुम वापस इंडिया चले जाओ ठीक है हम तुम्हें एक घंटे का टाइम दे रहे हैं तुम अपना सारा सामान अपने सारे फैमिली को लेकर इंडिया चले जाओ और जब ये लोग रास्ते में चलकर जा रहे होते थे इंडिया तो लोग पहचान जाते थे कि ये तो हिंदूज हैं इंडिया जा रहे हैं तो रस्ते में इन्हें मार देते थे पीट देते थे इनका सामान लूट लेते थे औरतों को तो बहुत बुरा हाल करा जाता था उस टाइम पे रेप करा जाता था फोर्स मैरिज होता था ये सारी चीजें होती थी एंड सेम इंडिया में भी जो माइनॉरिटीज रह गए उनके साथ भी बहुत बुरे तरीके से ट्रीटमेंट होता था तो यही आपको समझाया जा रहा है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी में कि जो जिन बेचारों ने ऐसे सोचा कि यार हम तो सालों से यहीं पर रुके आ रहे हैं ये तो हमारा घर है होने दो तो पार्टीशन हम तो यहीं पर रहेंगे तो वो अब माइनॉरिटी बन गए एंड फिर उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट हुआ ठीक है ये यहाँ पर आपको समझा रखा है कि काफी लोगों से बोल दिया जाता था कि भाई तुम हमारे देश का पार्ट नहीं हो बॉर्डर पार करके दूसरे देश में चले जाओ एंड अक्सर उनके पास सिर्फ एक या दो घंटे होते थे खुद इमेजिन करके देखो यार कोई तुमसे बोले कि भाई दो घंटे का टाइम है तुम्हारे पास अपने घर से जो जो सामान उठाना उठाओ और बस तुम बॉर्डर पार करके चले जाओ है ना तो कितना एक बहुत बेकार टाइम था चलो नेक्स्ट और क्या होता है पार्टीशन में ये समझते हैं। तो 1947 का ये जो ईयर था इसमें हमने देखा है कि हिस्ट्री में ही सबसे बड़ा अनप्लान्ड पॉपुलेशन ट्रांसफर था ये ठीक है दोनों तरफ बॉर्डर के दोनों तरफ किलिंग चल रही थी लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों को मार रहे थे मेम मेम कर में करना मतलब किसी को इस हद तक मारना पीटना कि वो इंसान फिर ठीक ना हो पाए ठीक है तो मेम कर रहे थे एंड बॉर्डर के दोनों तरफ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे ऐसे लोग जिन्होंने पार्टीशन का टाइम देखा है सरवाइव करा है वो अक्सर कहते हैं कि पार्टीशन का टाइम तो ऐसा लग रहा था कि डिविजन ऑफ हार्ट्स हो रहा डिविजन ऑफ हार्ट मतलब इतनी बेकार फीलिंग थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई तुम्हारे हार्ट को डिवाइड कर रहा हो ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि पार्टीशन में क्या था ऐसे लोग जो इतने सालों से नेबर्स की तरह साथ में मिलजुल कर रह रहे थे सडनली उन लोगों को डिसाइड करना पड़ रहा था कि हम कौन से देश में जाएं ठीक है हमारे अंदाजे से कुछ 80 लाख लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर के अक्रॉस इस दौरान माइग्रेट करा होगा हमारे अंदाजे से कुछ फाइव टू टेन लाख लोग हैं जो कि पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में मारे गए थे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अब देखो टू नेशन थियोरी के ऊपर हमारे लीडर्स का तो विश्वास था ही नहीं कांग्रेस ने तो कभी टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट ही नहीं करा उसके बावजूद देश का डिविजन तो हो गया देश का पार्टीशन तो हो गया तो जो हमारे इंडिया के लोग हैं उनके दिमाग में एक डाउट आने लग जाता है कि अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए है तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया सिर्फ हिंदू के लिए है तो यह क्वेश्चन लोगों के दिमाग में चल रहा था पर इसका आंसर है नहीं याद रखना बच्चों हमारे संविधान में कहा जाता है इंडिया एक सेक्युलर देश है हम सारे रिलीजन को बराबर मानते हैं चलो नेक्स्ट दिक्कत क्या थी पार्टीशन हो गया नेक्स्ट दिक्कत क्या थी प्रिंसली स्टेट का इशू प्रिंसली स्टेट का ये समझते हैं तो प्रिंसली स्टेट होता क्या है पहले वो समझ लो मान लो ये हमारा इंडिया है जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे तब दो टाइप के इलाके होते थे एक तो ऐसा एरिया जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे हैं एक ऐसा एरिया जहां पर राजा रानी का सिस्टम है ठीक है कहने को राजा है रानी है प्रिंस है सब है पर ये लोग ब्रिटिशर्स के नीचे काम कर रहे हैं इनके पास उनके हाथ में कुछ ज्यादा पावर वावर नहीं है इन्हें ब्रिटिशर्स की बात ही माननी पड़ती है तो जब हमें आजादी मिली थी उस टाइम के अराउंड इंडिया में कुछ 565 प्रिंसली स्टेट थे एंड आजादी जब हमें मिलती है ना तो इन प्रिंसली स्टेट्स को कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं प्रिंसली स्टेट से बोल दिया जाता है कि भाई आजादी मिल रही है हमें और तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है या तो तुम जाकर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो ठीक है या फिर अगर तुम्हें पाकिस्तान नहीं जाना तो तुम इंडिया को ज्वाइन कर लो या फिर अगर तुम्हें इंडिया को भी ज्वाइन नहीं करना तो तुम खुद का देश बना लो तुम एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट नेशन बना लो ठीक है तो ये उस टाइम का मैप है यहां पर जो भी ब्लू कलर में दिख रहा है ना तुम्हें ये सब प्रिंसली स्टेट थे ठीक है तो जाहिर सी बात है हमने तो जब आजादी के लिए संघर्ष करा था हम तो चाहते थे पूरे इंडिया को साथ में आजादी मिले पाकिस्तान बना वो भी हमारे लिए उतनी अच्छी बात नहीं थी हम तो नहीं चाहते थे देश का पार्टीशन हो जाए तो पार्टीशन होने के बाद जब हमें ऐसा लगता है कि ये जो ब्लू इलाके हैं ये भी इंडिया से हट सकते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था हम चाहते थे ऑब्वियसली कि ये सारे प्रिंसली स्टेट हमारे इंडिया का पार्ट बने ठीक है चलो दिन का, का पार्ट बनेगा या खुद का देश बनाएगा ये decision प्रिंसली स्टेट की जनता नहीं ले रही थी वहां के जो राजा लोग थे ठीक है जो राजा रानी जो रॉयल फैमिली के लोग थे वो लोग ये डिसीजन ले रहे थे कि प्रिंसली स्टेट का क्या करना है जनता के हाथ में कुछ पावर नहीं थी रूलर्स के हाथ में ये पावर थी कि वो डिसाइड करें कि प्रिंसली स्टेट का क्या होगा ठीक है एंड आजादी मिलने के बाद ट्रेवान कौर के रूलर हैदराबाद के राजा भोपाल के नवाब ये कुछ कुछ ऐसे साइंस दिखाते हैं कि ये इंडिया को ज्वाइन करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है इस दौरान हमारी गवर्नमेंट थोड़ी और टेंशन में आ जाती है कि इंडिया इससे आगे बढ़ जाए पाकिस्तान तो ऑलरेडी बन गया अब जो बचा हुआ इंडिया है वो और बट जाए ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है आगे तो प्रिंसली स्टेट्स को मनाने में कि आप हमारे इंडिया का पार्ट रहो प्रिंसली स्टेट्स को मनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल तब और होम मिनिस्टर भी थे एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक रोल निभाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को यूनाइटेड रखने में ठीक है तो इस इस सिचुएशन को गवर्नमेंट तीन तरीके से देख रही थी ठीक है एक तो गवर्नमेंट के दिमाग में चल रहा था कि ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स खुद से ही इंडिया का पार्ट बनना चाहती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है सेकंड हमारी गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट से कहा कि भाई हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे हम तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स देंगे तुम हमसे बातचीत करो हम फ्लेक्सिबल रहेंगे तुम्हारे साथ इंडिया का पार्ट बनो हम तुम्हारे पावर्स को ज्यादा कम नहीं करेंगे ठीक है थर्ड क्या था थर्ड हमारी सिचुएशन ये थी कि ऑलरेडी देश बट चुका है पाकिस्तान बन चुका है तो हमें ये रियलाइजेशन था कि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम इससे ज्यादा देश को बटने नहीं दे सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं तो so, बिफोर 15th अगस्त 1944 पीसफुल नेगोशिएशन हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हुज टेरिटरीज वर कॉन्टिग्यूअस टू द न्यू बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इनटू द इंडियन यूनियन तो 15th अगस्त 1947 से पहले ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स को हमने मना लिया था कि आप इंडिया का पार्ट बनो उस टाइम पर एक डॉक्यूमेंट होता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हम ये डॉक्यूमेंट साइन कराते थे तो अगर किसी प्रिंसली uh, स्टेट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा तो वो इंडिया का पार्ट बन जाते थे ठीक है पर कुछ इलाके ऐसे थे जिनको मनाने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आई उन एरियाज़ के बारे में समझते हैं एक तो था हैदराबाद हैदराबाद उस टाइम पे सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था ठीक है आज के टाइम के महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को अगर आप जोड़ दो तब जाकर उस टाइम का हैदराबाद बनता था एंड हैदराबाद में जो राजा थे उन्हें निजाम बोला जाता था एंड निजाम निजाम जो है पूरे वर्ल्ड में ही वन ऑफ द मैन में से एक थे तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन है इतना पैसा है तो तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल तो आएगा कि मैं खुद अपना देश बना सकता हूँ है ना तो काफी टाइम तक ये इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में थे मतलब इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं इंडिया को ज्वाइन करूंगा बस बातचीत ही चलती गई कि क्या करना है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चल रहा था ठीक है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और निजाम मिलते रहते थे नेगोशिएशन करते थे कि ये आकर इंडिया को ज्वाइन कर लें पर काफी टाइम तक कोई प्रोग्रेस नहीं होता फिर क्या होता है हैदराबाद में कुछ लोग ऐसे थे जो निजाम को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे तो वहां के जो फार्मर्स थे जो पेजेंट्स थे जो विमेन थी वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे निजाम को तो ये सब क्या करते हैं ये राजा के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि हमें तो ये राजा नहीं पसंद हमें ये राजा हटाने हैं ठीक है थीके? तो अः राजा हटाना है ठीक है तो अः फिर क्या होता है राजा तो देखो राजा है है ना उनके पास पैसा है पावर है अगर जनता उनके खिलाफ आवाज उठाएगी तो राजा क्या करेंगे राजा अपनी आर्मी को भेजकर लोगों को चुप करा देंगे तो राजा की जो आर्मी थी आर्मी का नाम था राजा कर्स राजा कर्स क्या करते थे जो भी लोग राजा के खिलाफ बोलते थे इनको मारते थे पीटते थे अगेन वन को बहुत इल ट्रीट करा जाता था उन्हें मर्डर करा जाता था पीटा जाता था रेप करा जाता था लोगों को लूट लिया जाता था पर्टिकुलरली जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको टारगेट करा जा रहा था ये खबर हमारी इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचती है सेप्टेंबर नाइनटीन में इंडियन आर्मी पहुंच जाती है हैदराबाद और हैदराबाद में हमारी आर्मी निजाम की आर्मी को हरा देती है एंड उसके बाद से हैदराबाद हमारे इंडिया का पार्ट बन जाता है मणिपुर की क्या कहानी है समझते हैं तो मणिपुर में एक राजा थे बोध चंद्रा सिंह इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन कर लिया था पर मणिपुर पूरे तरीके से इंडिया का पार्ट नहीं बना था ठीक है मणिपुर में कुछ कुछ दिक्कतें थी वो समझते हैं तो क्या था मणिपुर में ना लोग बोलने लग जाते हैं कि हमें तो इलेक्शन करना है तो क्या होता है मणिपुर में जून 1948 में इलेक्शन होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टार्ट हो जाती है तो मणिपुर पहला ऐसा एरिया था हमारे इंडिया में जिसने इलेक्शन करके दिखाया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करके मतलब सारे अडल्ट को वोटिंग राइट देकर फिर इलेक्शन होता है इनके यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है पर क्या दिक्कत थी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग थे ना वो इंडिया का पार्ट नहीं बनाना चाहते थे मणिपुर को अब असेंबली में जो कांग्रेस के लोग थे वो तो जाहिर सी बात है वो कह रहे थे कि मणिपुर को इंडिया का पार्ट बना दो पर जो बाकी पार्टी के लोग थे वो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे ऐसे में क्या होता है हमारी गवर्नमेंट राजा को प्रेशराइज करती है एंड हम राजा से मर्जर एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं 1949 में और फिर मणिपुर हमारे इंडिया का पार्ट बन जाता है पर मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है है वो हमसे गुस्सा हो जाती है कि आपने सिर्फ राजा से बात करके एग्रीमेंट साइन करा लिया हम हमसे तो किसी ने पूछा भी नहीं हम हमें तो लोगों ने इलेक्ट करा हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि मणिपुर को क्या करना इंडिया का पार्ट बनाना है या नहीं बनाना तो इस चीज को लेकर मणिपुर के लोग आज भी थोड़ा सा मतलब में थोड़ा सा गुस्से में रहते हैं कि राजा को फोर्स करके एग्रीमेंट साइन करा लिया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली से तो पूछा ही नहीं गया था तो उस टाइम पर ये कार्टून है जिससे आपको आइडिया लगेगा सिचुएशन का ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये आम जनता है और ये राजा है तो आम जनता से आम जनता के पास पावर नहीं थी ये डिसाइड करने की कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने इंडिया का पार्ट बने या इंडिपेंडेंट रहे राजा से लोग सारा सारा डिस्कशन करते थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जा रहे हैं राजा से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजा आप उठो मत बैठे रहो बस ये मुझे दे दो ये साइन करके दे दो ठीक है तो हाँ ये कार्टून आ सकता है तुम्हारे पेपर में चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा चैलेंज क्या था हम देखते हैं कि इस टाइम के अराउंड अलग अलग स्टेट्स इंडिया में ये डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं कि उन्हें भाषा के आधार पर अलग स्टेट चाहिए ठीक है एंड इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी तो हमारे लीडर्स को लग रहा था कि अगर हमने भाषा के आधार पर स्टेट बना दिया तो कहीं देश की एकता ना टूट जाए ठीक है तो ऐसे में क्या होता है आज के टाइम पर तो ये सारे अलग अलग स्टेट्स हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला कर्नाटका उस टाइम पर इन सबको साथ में हम मद्रास प्रोविंस कहते थे उस टाइम पर ये स्टेट्स नहीं थे इस पूरे एरिया को साथ में मद्रास प्रोविंस बोला जाता था अब यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं ये लोग दिम... ये लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं ठीक है तो ये लोग डिमांड करना स्टार्ट करते हैं कि तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों को एक सेपरेट स्टेट पकड़ा दो तो ये लोग एक मूवमेंट करते हैं इस मूवमेंट का नाम था विशाल आंद्रा मूवमेंट एंड इस मूवमेंट के थ्रू ये लोग डिमांड कर रहे थे कि तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों को एक सेपरेट स्टेट दे दो ठीक है तो काफी लंबे टाइम तक गवर्नमेंट इस मूवमेंट के ऊपर फोकस नहीं करती फिर क्या होता है आंध्र प्रदेश में एक लीडर थे जो कि गांधी जी के फॉलोअर भी रह चुके थे पोट्री श्री राम उल्लू उनका नाम था वो 56 डेज तक फास्ट करते हैं खाना नहीं खाते एंड उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है जैसे ही इनकी डेथ होती है आंध्र प्रदेश के लोग हंगामा मचाना चालू कर देते हैं बहुत भयंकर वायलेंस होता है ऐसे में हमारी गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश के लोगों से बोलती है कि आप वायलेंस बंद करो अगर आपको खुद का स्टेट चाहिए तो बना लो कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उस दौरान दिसंबर 1952 में कहते हैं कि चलो आंध्र प्रदेश एक स्टेट बना देते हैं तो भाषा के आधार पर पहला स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश बना था उसके बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन को लेकर आती है 1953 में एंड इनसे पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर स्टेट बनाना सही है नहीं है क्या है तो ये जो कमिटी है वो आगे जाकर कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर हम भाषा के आधार पर स्टेट बनाते हैं तो उससे देश की यूनिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही होगी आगे जाकर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है 1956 में जिसके चलते 14 स्टेट्स एंड सिक्स यूनियन टेरिटरीज क्रिएट करे जाते हैं ठीक है तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो यार हमें ऐसा लगता था कि अगर हम भाषा के आधार पर स्टेट बना देंगे तो उससे देश की यूनिटी खत्म हो जाएगी पर ऐसा नहीं है हमें बाद में ये रियलाइज होने लगा कि देश में डाइवर्सिटी बहुत है अलग अलग लोगों की बात सुननी होगी एंड इससे यूनिटी कुछ कम नहीं होगी ठीक है लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो इश्यू था इससे हमें ये समझ में आया कि हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना होगा तभी देश आगे चल पाएगा ठीक है और इंडिया में तो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में तो हम लोगों की सुनते हैं है ना तो हम हर बार लोगों को चुप नहीं करा सकते हैं. हमें लोगों की बात सुननी पड़ेगी नेक्स्ट और भी स्टेट्स हैं जो कि भाषा के आधार पर बने जैसे पहले जो बॉम्बे स्टेट था वहां पर गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग रहते थे 1960 में इस एरिया को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात पंजाब की अगर हम बात करें तो यहां पर हिंदी भाषा बोलने वाले लोग थे और पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे ऐसे लोग जो पंजाबी बोलते थे उन्होंने बोलना स्टार्ट करा कि उन्हें खुद का स्टेट चाहिए फिर क्या होता है 1966 में हम देखते हैं कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग करके सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट में 1972 में बहुत ज्यादा बदलाव आता है मेघालय को आसाम से अलग कर दिया जाता है 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को भी 1972 में स्टेट बना दिया जाता है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनते हैं नागालैंड इन सबसे पहले ही बन चुका था 1963 में नागालैंड बना था ठीक है एक और चीज का ध्यान रखना आ, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो भाषा के आधार पर नहीं बने पर क्या था मान लो कि ये कोई स्टेट है और इस स्टेट में इस हिस्से के जो लोग हैं इनको लग रहा है कि सिर्फ इनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा यहां पर तो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट चल रहा है तो इस हिस्से के लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि यार हमें सेपरेट स्टेट बनाना है तुम लोग हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो ऐसे भी स्टेट्स बनते हैं छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड ये सब 2000 में इस आधार पर बने थे फिर तेलंगाना हमारा कब बना 2nd June 2014 में। and आज के टाइम पर भी अलग अलग एरिया से ये डिमांड आती है कि उन्हें सेपरेट स्टेट चाहिए जैसे महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन हरित प्रदेश वेस्टर्न यूपी का और वेस्ट बंगाल का जो नदन रीजन है वो भी कहता है कि उन्हें सेपरेट स्टेट चाहिए इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर फिनिश हो गया है तो कनपैटी टाइम सब लोग जल्दी जल्दी क्लैप कर दो बहुत बढ़िया एक चैप्टर खत्म हो गया सात और चैप्टर हमें करने हैं ठीक है हाँ तो कूल है सबको आगे बढ़े हाँ डन एक चैप्टर खत्म सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करें सब लोग रेडी हैं हाँ अनवी क्लियर है ओके डन मुकुल बहुत बढ़िया एक बार अनुष्या दीदी से आहाना बुलवाना है आहाना हाय तान्या कार्तिका प्रिंस ओके चलो यार आ, संचारी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच चलो ओके okay. स्टार्ट करते हैं यार सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों को क्लास का रूल तो पता ही है अगर तुम लोग रेडी हो नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी जल्दी खूब सारे फायर इमोजी भेज दो रीहा पल्लवी अनवी मीना हाय ऊषा यजुश ठीक है जल्दी जल्दी भर दो यार कमेंट सेक्शन फायर इमोजी से फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और जब तक तुम लोग फायर इमोजी डाल रहे हो मैं थोड़ा सा पानी पी रही हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हम्म अभिषेक हाय ओके यार अब काफी सारे फायर इमोजीज दिख रहे हैं आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं ठीक है चलो सेकेंड चैप्टर खत्म करते हैं फिर उसके बाद में फिर से चैट सेक्शन लगाती हूँ ठीक है नेक्स्ट चैप्टर क्या है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस तो एक टाइम पीरियड ऐसा था इंडिया में जब कांग्रेस का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था वही आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ डेट्स बता रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ये एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं पहला डेट ये है कि संविधान नवंबर 1949. 1949 तक संविधान बनकर रेडी हो गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने संविधान को साइन कब करा 24 जनवरी 1950 को इस संविधान को हमने इंप्लीमेंट कब करा 26 जनवरी 1950 ये तीन डेट्स हमें याद होने चाहिए एमसीक्यू में आ सकता है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हमें आजादी मिलती है ना उस टाइम पर एक इंटिम गवर्नमेंट थी मतलब इलेक्शन वगैरह तो हुआ नहीं था तो एक टेंपरेरी गवर्नमेंट थी जो हमारे देश को संभाल रही थी एंड हमारे अंदाजे से हमें ऐसा लग रहा था कि टेंपरेरी गवर्नमेंट तो है संविधान भी रेडी है तो आगे आने वाले कुछ एक दो महीने के अंदर अंदर हम अपना इलेक्शन करा देंगे संविधान में हमने सब कुछ तो लिख ही रखा था कि इलेक्शन वगैरह कैसे होगा तो हमें लग रहा था कि यार कौन सी बड़ी बात है आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर इलेक्शन करा देंगे इसी के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है जनवरी नाइनटीन में एंड सुकुमार सेन हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं और फिर हमें ये लग रहा था कि देश का पहला इलेक्शन 1950 में ही हो जाएगा पर ऐसा होता नहीं है जब हम इलेक्शन करने के लिए सारा काम स्टार्ट करते हैं तब हमें एहसास होता है कि इलेक्शन कराने में तो टाइम लग जाएगा जैसे कि इलेक्शन कमीशन को टाइम लग जाता है डीलिमिटेशन करने में डीलिमिटेशन का क्या मतलब है मान लो ये अपना पूरा इंडिया है एंड इलेक्शन के टाइम पे पूरे इंडिया में साथ में इलेक्शन कराना मुश्किल है तो हमने इंडिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया इलेक्शन के टाइम पे इन छोटे छोटे हिस्सों को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग बराबर पॉपुलेशन हो तो क्योंकि पहली पहली बार इलेक्शन हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का बाउंड्री वगैरह डिसाइड करना था इसी प्रोसेस को डीलिमिटेशन कहा जाता है तो डीलिमिटेशन में हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है फिर क्या होता है जब इलेक्शन होता है ना तब एक वोटर्स लिस्ट निकलती है जिसमें नाम लिखा होता है सारे लोगों का जो वोट दे सकते हैं तो हम पहली पहली बार लिस्ट बना रहे थे एंड जो पहला लिस्ट बना उसमें 40 लाख ,00 वुमेन का नाम सही तरीके से नहीं लिखा जाता लोगों का ना नाम ही नहीं लिखा जाता तो जो लड़कियां थी उनको वाइफ ऑफ और, और उनके हस्बैंड का नाम लिख दिया या फिर डॉटर ऑफ और उनके पापा का नाम लिख दिया पर लड़की का नाम लिखना चाहिए ना उनकी भी तो पहचान है उनके हस्बैंड और फादर का नाम क्यों लिख रहे हो तो इलेक्शन कमीशन कह देती है कि भाई ऐसा वाला लिस्ट नहीं चलेगा फिर से लिस्ट बनाओ तो यहां पर हमें टाइम लग जाता है तो जब हम पहला इलेक्शन करा रहे थे उस टाइम पर अराउंड सेवनटीन करोड़ ऐसे लोग थे जो वोट दे सकते थे एलिजिबल वोटर्स थे एंड इन लोगों को कुछ अराउंड थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एम एल ए को सेलेक्ट करना था एंड इन सारे वोटर्स में से सिर्फ पंद्रह परसेंट ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे तो एक और चैलेंज क्या था एक ऐसे टाइप का सिस्टम बनाना जो सबको समझ में आए पहली पहली बार इलेक्शन हो रहा था और इलेक्शन के टाइम पर आ, हम लोग ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं तो हमें थ्री लाख ऑफिसर्स को ट्रेन हम लोग कर रहे थे इलेक्शन के टाइम पर इसमें भी हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और ये जो पहला इलेक्शन था ना इंडिया का ये टेस्ट की तरह था इस था इससे पहले सबका मानना कि डेमोक्रेसी इलेक्शन ये सब तो सिर्फ रिच कंट्रीज में होते हैं सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में होता है इंडिया जैसी पुअर कंट्री इंडिया जैसी ऐसी कंट्री जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं है यहां पर तो इलेक्शन हो ही नहीं पाएगा ठीक है तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे इंडिया का और इंडिया ने उस टाइम पर वुमेन को वोटिंग राइट्स दे रखे थे जबकि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी रही हैं जिन्होंने वुमेन को बहुत लेट वोटिंग राइट दिया था तो लोग इस चीज का भी मजाक उड़ाते थे, थे कि इंडिया तो इतनी रिस्की चीज कर रहा है इन्होंने सभी को सारे अडल्ट को वोटिंग राइट दे दिया है अलग अलग मैगजीन में कुछ कुछ बोला जाता था हमारे बारे में एक इंडियन एडिटर ने कहा कि हमारा पहला इलेक्शन इतिहास में ही सबसे बड़ा गैम्बल है सबसे बड़ा रिस्क है एक मैगजीन में लिखा गया कि एक ऐसा टाइम आएगा जब नेहरू जी आ, लोगों को बोलेंगे कि यार मैंने तो गलती कर दी मैं क्या सोच रहा था मैंने इलेक्शन क्यों कराया ठीक है एक ब्रिटिश मेंबर ने ऐसा बोला कि एक ऐसा टाइम आएगा जब इंडिया में सब लोग थोड़े पढ़े लिखे होंगे तो वो लोग पहले इलेक्शन के बारे में सोचकर शॉकड होंगे कि यार हमने क्या हमने क्या करा हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे तो ये सारी चीजें उस टाइम पर बोली जा रही थी तो क्योंकि इलेक्शन में हमें इतना काम करना पड़ रहा था हमने अपने इलेक्शन को दो बार पोस्टपोन करा दो बार टाला एंड फिर फाइनली हमारा पहला इलेक्शन होता है अक्टूबर 1951 से फेबर 1952 के बीच में पर इस इलेक्शन को हम लोग जनरली कहते हैं जनवरी 1952 का इलेक्शन क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्शन सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन जनवरी 1952 को हुआ था ये इलेक्शन बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव थे एक सीट के लिए चार से भी ज्यादा कैंडिडेट्स कम्पीट कर रहे थे एंड हाफ से भी ज्यादा जनता आती है उस दिन वोट देने के लिए और जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो जो लोग हार रहे होते हैं ना, वो लोग मान लेते हैं कि हाँ यार आ, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कुछ करप्शन कुछ भी गलत नहीं है इस इलेक्शन में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम लोग हार रहे हैं तो इंडिया का जो पहला इलेक्शन था 1952 का इलेक्शन इसे डेमोक्रेसी के हिस्ट्री में लैंडमार्क इलेक्शन माना जाता है क्योंकि हमने अपने पहले इलेक्शन से सबको ये प्रूफ करके दिखाया कि डेमोक्रेसी किसी भी देश में चल सकती है ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेमोक्रेसी चलाने के लिए तुम्हें अपने देश को रिच करना पड़ेगा लोगों को पढ़ाना पड़ेगा ऐसा नहीं है अगर तुम चाहते हो तो कहीं पर भी डेमोक्रेसी चल सकती है अब देश के जो पहले तीन इलेक्शन थे 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का डोमिनेंस बहुत भयंकर होता है मतलब कांग्रेस बहुत ही बढ़िया तरीके से इन इलेक्शंस में जीत रही होती है एंड ये लोगों के लिए कोई सरप्राइज नहीं था इसका एक कारण तो ये था कि नेशनल मूवमेंट में जब हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तब कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा हमें आजादी दिलाने में इसलिए जनता बहुत पसंद करती थी कांग्रेस को और उस टाइम पर कांग्रेस इकलौती पार्टी थी जो कि पूरे इंडिया में फैली हुई थी ठीक है नेक्स्ट कांग्रेस में बहुत सारे फेमस लीडर्स थे जैसे कि एक तो जवाहरलाल नेहरू जी बहुत फेमस लीडर थे जनता उनको बहुत पसंद करती थी तो एक रीजन ये भी था कि कांग्रेस को इतने वोट्स मिल रहे थे तो जो पहला लोकसभा इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में 489 में से 364 सीट्स मिल जाते हैं कांग्रेस को कांग्रेस के बाद सेकंड नंबर पे कौन सी पार्टी चल रही होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इनको कितने वोट्स मिलते हैं इनको कितने सीट्स मिलते हैं 16 सीट्स इन लोगों को मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट स्टेट इलेक्शन जब होता है स्टेट इलेक्शन में भी हम देखते हैं कि ज्यादातर एरियाज में कांग्रेस बहुत बढ़िया तरीके से जीतती है कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को मेजोरिटी सीट्स नहीं मिलती जैसे कि केरला के कुछ हिस्से मद्रास, ओडिशा, इन सारे एरियाज में कांग्रेस नहीं जीत पाता नेक्स्ट क्या होता है पहले इलेक्शन के बाद नेहरू जी हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और उसके बाद सेकंड इलेक्शन होता है 1957 में और फिर थर्ड इलेक्शन होता है 1962 में एंड इन तीनों इलेक्शन में कांग्रेस बहुत बढ़िया तरीके से जीत रही थी ये एक मैप है 1952 से 1967 के बीच का, इस मैप में आपको दिख रहा होगा सब कुछ ही येलो हो रखा है केरला को छोड़कर है ना तो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री तो हम पढ़ेंगे आगे जाकर पर बाकी तो पूरा देश ऑलमोस्ट येलो हो रखा है येलो कलर का यहाँ पे मतलब है कि ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 1952 से लेकर 1967 के बीच में कांग्रेस जीत रही थी, ठीक है अब एक और रीजन था जिसकी वजह से कांग्रेस जीत रही थी यह आप लोगों ने इलेवेंथ क्लास में पढ़ रखा है कि हमारा इलेक्शन का सिस्टम कैसा है तो 1952 की अगर हम बात करें कांग्रेस को 45 परसेंट वोट मिले थे पर सीट कांग्रेस को 74 परसेंट मिल जाता है ठीक है सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो इनको 10 परसेंट वोट मिला था पर सीट इनको सिर्फ तीन परसेंट मिलता है इसके पीछे का रीजन क्या है हमारे इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट, पोस्ट मेथड फॉलो करा जाता है जिसे हम एफ कहते हैं तो एफ में क्या होता है जो पार्टी जीत रही होती है ना उसको हम थोड़ा और बूस्ट कर देते हैं ठीक है मतलब जिस पार्टी को जनता से सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा होता है हम उस पार्टी को थोड़ा और बूस्ट कर देते हैं ठीक है और उसका एक उल्टा सिस्टम सिस्टम होता होता है है पीआर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसमें क्या होता है? जितने परसेंट वोट उतना ही रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो हमारे यहाँ एफ चलता है लोकसभा इलेक्शन में चलो तो नेक्स्ट कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला केरला में क्या चल रहा था कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में समझते हैं मार्च 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है केरला में एंड बाद में ईएमएस नंबूदरी पार्ट से बोला जाता है कि आप यहाँ के लीडर बन जाओ ठीक है और ये कम्युनिस्ट लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर बन जाते हैं ये अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं तो जब केरला में कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन जीतती है ना तो ये पहली बार पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई हो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में प्रॉपर तरीके से जीत कर ठीक है तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी फिर क्या होता है है की की बात कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है केरला में से कम्युनिस्ट पार्टी को हटा देती है और वहां पर आर्टिकल 356 फिफ्टी सिक्स वहां पर बेसिकली क्या होता है इमरजेंसी लगाकर कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया जाता है तो ये जो डिसीजन था कांग्रेस का कि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी को केरला से हटाएंगे ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट का देखा जाए तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है तो लोग कहते हैं कि ये पहली बार हमारे देश में ऐसा हो रहा था कि हमारी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी को मिसयूज करा हो ठीक है ये तो पहली बार था फिर आगे जाकर तो इमरजेंसी की पूरी कहानी तुम्हें पढ़ाई जाएगी अगले कुछ चैप्टर्स में सोशलिस्ट पार्टी के बारे में समझते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये कांग्रेस के अंदर ही एक छोटी सी पार्टी थी ठीक है जो कि 1934 में बनी थी 1948 में कांग्रेस अपने संविधान को एमेंड करके बोलता है कि अब से ड्यूएल पार्टी मेंबरशिप कांग्रेस में नहीं चलेगी तो ऐसे में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्या करती है कांग्रेस को छोड़ देती है और खुद की एक पार्टी बनाती है जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी जो कि 1948 में बना था तो सोशलिस्ट पार्टी को उम्मीद थी कि इन्हें बहुत सारे वोट मिलेंगे ये बहुत सक्सेसफुल रहेंगे पर इन्हें उतना आसानी से सक्सेस नहीं मिल पाता है इलेक्शन के टाइम पर और ये लोग सोशलिज्म के ऊपर विश्वास रखते थे और ये लोग बार बार क्या कहते थे कि कांग्रेस सोशलिज्म फॉलो नहीं करता हम सोशलिज्म फॉलो करते हैं तो हमें वोट दो फिर क्या होता है 1955 में कांग्रेस बोल देता है कि भाई आज से हम भी सोशलिज्म को फॉलो करेंगे तो ये जो पार्टी के लोग हैं ये बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब इनकी क्या आइडेंटिटी रही अब तो कांग्रेस भी सोशलिज्म कर रहा है, है ना तो इनके लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाता है वोट जीतना तो इस पार्टी के कुछ लीडर्स तो ऐसे थे जैसे कि राम मनोहर लोहिया ये कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे पर कुछ लीडर्स ऐसे थे इस पार्टी में जैसे कि अशोक मेहता ये कांग्रेस के साथ कभी कभी थोड़ा थोड़ा कॉपरेट कर लेते थे नेक्स्ट क्या होता है सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत बहुत बार ये पार्टी स्प्लिट हुई है बहुत बार री हुई है तो ये काफी बार होता रहा इनके साथ इसी पार्टी से अलग अलग और पार्टी बने आगे जाकर जैसे कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ये सब सोशलिस्ट पार्टी से ही बने ये जो पार्टीज है ना इन्हें आगे जाकर चैप्टर में तुम्हें फुल फॉर्म नहीं बताया जाएगा इनका इन्हें डायरेक्ट एस एस पी या पी एस पी लिख दिया जाएगा तो तुम समझ जाना कि भाई इन सारे पार्टी की बात हो रही है नेक्स्ट क्या है जयप्रकाश नारायण अच्युत पटवर्धन अशोका मेहता आचार्य नरेंद्र देव राम मनोहर लोहिया ये सब कुछ फेमस फेमस लीडर्स हैं सोशलिस्ट पार्टी के ठीक है और बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो आज के टाइम पर भी हैं एंड जिनकी शुरुआत सोशलिस्ट पार्टी से हुई थी जैसे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जनता दल यूनाइटेड जनता दल सेक्युलर, ये सब सोशलिस्ट पार्टी से ही ओरिजिनेट हुए हैं नेक्स्ट कांग्रेस के डोमिनेंस के नेचर को समझते हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडिया इकलौती कंट्री है जहां पर एक पार्टी का डोमिनेंस रहा है इतने लंबे टाइम तक हमने बाकी कंट्रीज में भी ऐसा होते हुए देखा है पर इंडिया में क्या था कांग्रेस डेमोक्रेटिक तरीके से जीत रही थी बाकी देशों में ऐसा नहीं होता था जैसे चाइना क्यूबा और सीरिया में तो इनके संविधान में लिखा है कि यहां पर सिंगल पार्टी रूल ही चलेगा हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा म्यांमार बेलारस इजिप्ट इन सबके में भी वन पार्टी सिस्टम चलता था या मिलिट्री टेक ओवर हो जाता था मेक्सिको साउथ कोरिया ताइवान यहां पर भी वन पार्टी सिस्टम था मेक्सिको में तो एक पार्टी करप्शन कर करके जीतती रहती थी हमारी कांग्रेस ऐसी नहीं थी कांग्रेस जेन्यनली जीत रही थी ठीक है कांग्रेस को सही में जनता पसंद कर रही थी कांग्रेस इसीलिए जीत रही थी कांग्रेस के और इंडिया के एग्जाम्पल को आप साउथ अफ्रीका के साथ कंपेयर करो साउथ अफ्रीका में एक पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो बार बार जीत रही थी क्यों जीत रही थी क्योंकि इस पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था साउथ अफ्रीका में से अपार्थाइड स्किन uh, कलर के आधार पर भेदभाव करना उसे अपार्थाइड अपार्थाइड कहते हैं हटाने में, बहुत था आजादी दिलाने में तो जनता बहुत खुश थी कांग्रेस से कांग्रेस को बार बार जिता रही थी तो क्या कारण थे कि कांग्रेस बार बार इलेक्शन में जीत रहा था एक कारण हमने जस्ट अभी डिस्कस करा कि नेशनल मूवमेंट में ब्रिटिशर्स को भगाने में कांग्रेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था और क्या कारण था कांग्रेस ना उस टाइम पर बहुत वेल well पार्टी थी तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक था फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक मतलब कांग्रेस ने तब शुरुआत कर दी पॉलिटिक्स में जब कोई और पार्टी थी ही नहीं रेस में तो कांग्रेस के पास ये एडवांटेज था कि वो बाकी सबसे रेस में बहुत आगे चल रही थी ठीक है तो जब तक हमें आजादी मिलती है कांग्रेस बहुत बढ़िया तरीके से फैल जाता है एंड कांग्रेस एक ऑल इंक्लूसिव पार्टी बन जाता है ऑल इंक्लूसिव पार्टी मतलब एक ऐसी पार्टी जहां पे हर टाइप के लोग हैं ठीक है फार्मर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रिच लोग पुअर लोग सब लोग साथ में काम कर रहे हैं तो हर कम्युनिटी के लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे थे ठीक है तो 1885 में कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप की तरह शुरुआत करता है प्रेशर ग्रुप मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी पर ये लोग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते थे कि आप ये करो वो करो ऐसे बदलो देश को ऐसे करके स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़े लिखे लोग और रिच लोग थोड़े ज्यादा थे कांग्रेस में फिर जैसे जैसे कांग्रेस थोड़ा फैलने लगा तो हर टाइप के लोग कांग्रेस में आने लग गए पहले तो इंग्लिश स्पीकिंग लोग अपर कास्ट के लोग ज्यादा थे बाद में हर टाइप के लोग कांग्रेस में आने लग गए फार्मर इंडस्ट्रियलिस्ट गांव के लोग शहरों के लोग सब लोग कांग्रेस का पार्ट धीरे धीरे बनने लगे तो कांग्रेस में एक रेनबो लाइक कोयलेशन बन जाता है रेनबो लाइक कोयलेशन मतलब जैसे रेनबो में अलग अलग कलर्स होते हैं वैसे ही कांग्रेस में डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी थी कांग्रेस में हर टाइप के लोग साथ में काम कर रहे थे कांग्रेस में क्या था आइडियोलॉजिकल कोईलेशन भी था आइडियोलॉजिकल कोयलेशन मतलब ऐसे लोग जिनके अलग अलग सोच विचार थे वो लोग भी साथ में मिलजुल कर काम कर रहे थे तो कुछ लोग ऐसे थे जो कैपिटलिज्म को अच्छा मानते थे कुछ लोग ऐसे थे जो सोशलिज्म को अच्छा मानते थे पर इसके बावजूद सारे लोग साथ में काम कर रहे थे कांग्रेस में ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं पार्टीज विद देर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्टेड विद इन कांग्रेस तो कांग्रेस में क्या होता था कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म बन गया था जहां पर ये पूरा कांग्रेस कांग्रेस है और Congress के अंदर छोटी छोटी पार्टीज रहती थी ठीक है इन पार्टीज की अलग लीडर्स हैं अलग सोच विचार हैं ये कहने को अलग अलग ग्रुप्स हैं पर ओवरऑल ये कांग्रेस का ही पार्ट है तो इस तरीके से कांग्रेस का पूरा काम चल रहा था ठीक है कुछ पार्टीज ऐसी भी थी जिन्होंने आगे जाकर कांग्रेस को छोड़ दिया जैसे सोशलिस्ट पार्टी जो है वो बाद में आगे जाकर कांग्रेस को छोड़ देती है कांग्रेस से अलग हो जाती है तो कांग्रेस में ना क्या था फैक्शंस बहुत थे फैक्शन मतलब ये जो छोटे छोटे ग्रुप बने हुए थे ना कांग्रेस के अंदर उनको फैक्शन कहते हैं तो एक कोशन एक गठबंधन जैसा सा एक ऑर्गेनाइजेशन था कांग्रेस का है ना अलग अलग सोच विचार के लोग साथ में काम कर रहे थे और एक कोयलेशन की पता पहचान क्या होती है कि कोयलेशन में तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सबकी सुननी होगी और तुम्हें इंक्लूसिव होना पड़ेगा सबको साथ में लेकर चलना होगा तो उस टाइम का कांग्रेस इसी तरीके से काम करता था अब कांग्रेस में क्या था अलग अलग ग्रुप के लोग थे ये ग्रुप आपस में एक दूसरे की बुराइयां करते थे आपस में एक दूसरे की पॉलिसी की कमियां देखते रहते थे तो उस टाइम पर ऑपोजिशन पार्टी का कुछ खास काम था ही नहीं तो रूलिंग पार्टी भी कांग्रेस है ऑपोजिशन का काम भी कांग्रेस ही कर रही है तो जो था सिर्फ कांग्रेस ही था हमारे पॉलिटिक्स में इसीलिए उस टाइम पीरियड के पॉलिटिक्स को हम लोग कांग्रेस सिस्टम कहते हैं ठीक है यहां पर तुम्हें फैक्शन समझा रखा है कि पार्टी के अंदर ही जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं उनको फैक्शन कहा जाता है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इन फैक्शन के अलग अलग लीडर्स थे इनके अलग अलग आइडियोलॉजीज थे पर फिर भी ये कांग्रेस के अंदर ही थे ये कांग्रेस का ही पार्ट थे ये अलग पार्टी नहीं बनाते तो उस टाइम पर कांग्रेस रूलिंग पार्टी भी थी ऑपोजिशन में भी कांग्रेस ही सारा कर रही थी तो इस टाइम के पॉलिटिक्स को हम लोग कांग्रेस सिस्टम कहते हैं नेक्स्ट तो ऑपोजिशन पार्टी के लोग उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं थे क्या वो बिल्कुल कुछ काम ही नहीं करते थे क्या ये समझते तो ऐसा नहीं था ऑपोजिशन पार्टीज भी थी ठीक है कुछ पार्टीज तो ऐसी थी जो कि 1952 से पहले ही बन गई थी पर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थी उनको ज्यादा वोट्स वगैरह नहीं मिलते थे ठीक है आज के टाइम पर कांग्रेस के अलावा जो भी बड़ी बड़ी पार्टीज है ना उनकी शुरुआत नाइनटीन में ही हुई थी एंड उस टाइम पे ये लोग कांग्रेस के ऑपोजिशन ही हुआ करते थे पर इनको लोकसभा के इलेक्शन में ज्यादा सीटें वगैरह नहीं मिलती थी तो ये लोग क्या करते थे ये लोग कांग्रेस के पॉलिसीज़ की गलतियां निकालते थे रूलिंग पार्टी के ऊपर नजर रखते थे ये देखते थे कि बैलेंस्ड तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है और जो अर्ली टाइम पीरियड था ना हमारे पॉलिटिक्स में उस टाइम पीरियड में ऐसा भी होता था कि रूलिंग पार्टी के लोग ऑपोजिशन पार्टी के लोगों की इज्जत करते थे ऑपोजिशन पार्टी के लोग भी रूलिंग पार्टी की इज्जत करते थे तो ये उस टाइम पर हुआ करता था आज के टाइम पर उतना कुछ खास नहीं होता तो ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर श्याम प्रसाद मुखर्जी ये सारे लोग भी पहले कैबिनेट के पार्ट थे तो उस टाइम पर ऑपोजिशन की भी इज्जत करी जाती थी जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स को इनवाइट करते थे कि आप आकर हमारे गवर्नमेंट का पार्ट बन जो। तो कम्युनिस्ट पार्टी तो को कहां से अपनी मोटिवेशन मिली बोल्शेविक एक रेवल्यूशन हुआ था रशिया में वहां से इन लोगों को अपना इंस्पिरेशन मिला ठीक है फिर क्या कह रहे हैं कि पहले पहले तो ये कांग्रेस का ही पार्ट थे फिर दिसंबर 1941 के अराउंड ये कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और खुद की पार्टी बनाते हैं ठीक है पर आ, याद रखना अनलाइक अदर नॉन कांग्रेस पार्टी सीपीआई हैड अ वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी बाकी नॉन कांग्रेस पार्टी उतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी सीपीआई फिर भी बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज था सीपीआई बार-बार ये बोलता था कि यार हमें आजादी तो मिल गई पर क्या हमें सही में आजादी मिली है या क्या ये सब एक दिखावा है ठीक है तो इन लोगों ने तेलंगाना में बहुत ज्यादा वायलेंस भी करा था पर इस वायलेंस से कुछ खास फायदा नहीं होता तो सीपीआई सोचती है कि भाई वायलेंस वगैरह छोड़ देते हैं इलेक्शन में पार्ट लेते हैं ये लोग इलेक्शन में पार्ट लेते हैं एंड कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट इनको ही मिलते हैं सिक्सटीन सीट्स इनको मिल जाती है इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल बिहार और केरला से मिलता है ए पी गोपालन एस ए दांगे ई एम एस ये सब कुछ फेमस लीडर्स हैं सीपीआई के एंड बाद में क्या होता है जब सोवियत यूनियन एंड चाइना के बीच में थोड़ी दिक्कतें आ रही होती हैं तब हमारे देश का जो सी पी आई है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है तो सी पी आई में से कुछ लोग हट जाते हैं और खुद की पार्टी बनाते हैं सी पी आई एम नाम से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ये वो पार्टी के लोग थे जो चाइना को सपोर्ट करते थे चाइना के आइडियोलॉजी के ऊपर विश्वास रखते थे भारतीय जनसंघ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं 1951 में बना था ये एंड फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे श्याम प्रसाद मुखर्जी थे एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू महासभा इन सबके साथ कनेक्टेड है ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये लोग वन कंट्री वन कल्चर और वन नेशन के ऊपर विश्वास रखते हैं और इनका मानना है कि अगर आप इंडिया को मॉडर्न बनाना चाहते हो इंडिया को डेवलप करना चाहते हो तो आपको इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ये मानते हैं कि हमें अखंड भारत बनाना चाहिए इंडिया एंड पाकिस्तान को फिर से रीयूनाइट करना चाहिए इनको ये पसंद नहीं आता कि हमने इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी को प्रमोट करने के ऊपर विश्वास रखते हैं ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट पे भी विश्वास रखते हैं ये लोग ठीक है तो इनको ज्यादा इलेक्शन के टाइम पर ज्यादा इन्हें सपोर्ट नहीं मिला पहले इलेक्शन में सिर्फ तीन सीटें मिलती हैं उसके बाद के इलेक्शन में सिर्फ फोर सीट्स मिलती हैं राजस्थान मध्य प्रदेश दिल्ली एंड यूपी के लोग इनको सपोर्ट करते हैं तो श्याम प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय ये सब पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के जो रूट्स हैं वो इसी पार्टी भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए हैं इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर फिनिश हो गया है दो चैप्टर हो गए हैं कन्फेटी टाइम और मैं जरा आप लोगों के कमेंट्स लगा लू आगे बढ़े कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक कूल cool है सब क्लियर रितिका वेरी गुड रितिका और हाँ स्ट्रीम सेलेक्शन को लेकर हमारे टेंथ क्लास के बच्चे कंफ्यूज हैं मैं तुम लोगों के लिए एक सेशन लगा दूंगी ठीक है टेंशन नहीं लेना ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम हो जाने दो फिर मैं तुम लोगों के लिए सेशन लगा दूंगी कि स्ट्रीम कैसे लेना okay. बेटा भूमि कार्तिका मुकुल डन अनवी दिव्या दिव्या क्लियर है आशी थैंक यू सो मच चलो यार तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आप लोगों को रूल तो पता ही है जल्दी जल्दी फायर इमोजी डाल दो फिर हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी रही फिर आगे बढ़ते हैं ओके okay. <clears throat> आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम ठीक है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट ये काफी छोटा चैप्टर है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा स्टार्ट करते हैं ठीक है तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ओडिशा की कहानी बताई जा रही है कि ओडिशा में बहुत ज्यादा आयरन ओर है तो ओडिशा की गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम लोग यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को ले आए एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आएंगी अगर ओडिशा में स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी पर ओडिशा में जो ट्राइबल लोग हैं वो इस चीज के खिलाफ हैं उनका क्या मानना है कि अगर दूसरी कंपनीज आती हैं ओडिशा में तो ट्राइबल्स को वहां से भगा दिया जाएगा और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका भी मानना है कि अगर कंपनीज आती हैं यहाँ पर तो पेड़ पौधे कट हो जाएंगे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा तो इस एग्जाम्पल से आपको ये समझाया जा रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग हो सकता है ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है ठीक है पॉलिटिकल कंटेंशन में आ जाओ इन अ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में ये बड़े-बड़े कौन लेता है कि क्या करें वहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए ये बड़े बड़े डिसीजन डेमोक्रेसी में जनता लेती है तो आप एनवायरमेंटलिस्ट की सुनो आप एक्सपर्ट्स की सुनो इकोनॉमिस्ट की सुनो पर एट दी एंड ऑफ द डे जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको जो सही लग रहा है वही होना चाहिए ठीक है कोई एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो ज्यादातर लोगों को अच्छा लगे ठीक है तो डिसीजन मेकिंग में हम सिर्फ बिजनेसमैन या सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट या सिर्फ फार्मर के हाथ में देश के डिसीजन मेकिंग को नहीं छोड़ सकते गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसीजन मेकिंग में ठीक है अगर गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करेगी तो ही ज्यादातर लोगों को ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है हमें जस्टिस मिल रहा है नेक्स्ट इतना तो ये कहानी सुनकर हमें समझ में आ गया कि डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग होता है ना तो जैसे अगर आप किसी ट्राइबल से पूछो ट्राइबल इंसान के लिए ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वहां पर कोई इंडस्ट्री ना आए और वो आराम से अपने घर पर रह पाए पर अगर आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वो लोग कहीं पर जाकर इंडस्ट्री अपनी ओपन कर पाए अक्सर अच्छा लोग डेवलपमेंट को वेस्ट के कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं कि मतलब तुम जितना वेस्ट के कंट्रीज जैसा बनते जा रहे हो उतना ज्यादा तुम्हारे यहां पर डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट को मॉडर्नाइजेशन के साथ लिंक करा जाता है कि तुम वेस्ट की कंट्रीज की तरह बनो तुम मॉडर्न बनो तुम इंडस्ट्रीज लेकर आओ तभी तुम्हारा डेवलपमेंट होगा मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब माना जाता है मॉडर्नाइजेशन जनरली लोग मानते हैं मॉडर्नाइजेशन मतलब यूएसए जैसे कंट्रीज की तरह बनना, वेस्ट के कंट्रीज के जैसा बनना तुम्हारे देश में ग्रोथ होना चाहिए साइंटिफिक uh, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तभी हम उसे मॉडर्नाइजेशन कहते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जब हमें आजादी मिली तो हमारे सामने दो तरीके थे डेवलपमेंट के या तो हम यूएसए की तरह कैपिटलिज्म लगा सकते थे, या फिर हम रशिया की तरह सोशलिस्ट मेथड को ट्राई कर सकते थे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें सोवियत यूनियन का मेथड अच्छा लगता था ठीक है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सोशलिस्ट पार्टी नेहरू जी को भी सोवियत यूनियन का सिस्टम बहुत अच्छा लगता था कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अमेरिका का कैपिटलिस्ट सिस्टम ज्यादा अच्छा लगता था ठीक है पर एक चीज हमारे देश में बहुत क्लियर थी हमारे लीडर्स एक चीज को लेकर बहुत क्लियर थे कि जो भी हो ब्रिटिशर्स जो लूट मचा कर गए हैं ना देश में वो चीज हम इंडिया में फिर से नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स ने तो बहुत बेकार पॉलिसीज बनाई हमारे देश में तो इंडिया के लीडर्स इस चीज को लेकर बहुत क्लियर थे कि हम जो भी तरीका फॉलो करेंगे ब्रिटिशर्स की तरह बेकार पॉलिसी तो नहीं लेकर आएंगे ठीक है तो प्लानिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमें ये समझ में आ गया था कि प्लानिंग का जो पूरा प्रोसेस है ये हम सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं छोड़ सकते गवर्नमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होना जरूरी है प्लानिंग के सारे प्रोसेसेस में ठीक है फिर क्या कहा जा रहा है कि उस टाइम पर प्लानिंग करना बहुत जरूरी भी था क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था यूरोप में ठीक है जापान और जर्मनी वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे और सोवियत यूनियन ने इस दौरान अपना इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा ठीक करके दिखाया तो हमें भी समझ में आ रहा था कि प्लानिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसी के चलते ऐसा नहीं है कि सडनली हमने एक दिन प्लानिंग कमीशन बना लिया प्लानिंग कमीशन की भी अपनी एक हिस्ट्री रही है और पता है, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करती उन्हें अच्छा नहीं लगता जब गवर्नमेंट उनके मामलों में इन्वॉल्व होती है पर ऐसा हमेशा नहीं होता जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन में इंडिया में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग मिलते हैं वो लोग एक मीटिंग रखते हैं और वो लोग बॉम्बे प्लान लेकर आते हैं ठीक है तो बॉम्बे प्लान में बेसिकली क्या था ये लोग कह रहे थे कि इंडिया में हम प्लान्ड इकोनॉमी कैसे बनाए इंडिया का डेवलपमेंट कैसे करें एंड बॉम्बे प्लान में इन सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि अगर देश का डेवलपमेंट करना है तो गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें ठीक है इसके बाद प्लानिंग कमीशन बनता है एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हम पर्सन बनाते हैं प्लानिंग कमीशन का एंड फिर इंडिया में प्लानिंग का माहौल स्टार्ट हो जाता Early initiatives, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो पहले हम फाइव ईयर प्लान का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फाइव ईयर प्लान का आइडिया हमने सोवियत यूनियन से लिया था वहां पर भी ये हुआ करता था ईयर प्लान में सीधा सा फंडा है कि हम क्या करेंगे देश में आगे आने वाले पांच साल के लिए प्लानिंग करेंगे ठीक है तो इसी के चलते हमने अपने बजट को दो हिस्सों में बांटा एक था नॉन प्लान बजट और एक था प्लान बजट नॉन प्लान बजट मतलब बजट का वो हिस्सा जो कि हम हर बार स्पेंड करते ही हैं इयरली बेसिस में हम हर साल स्पेंड करते ही हैं इसके लिए अलग से हमें कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है इसे नॉन प्लान बजट बोला जाता है और प्लान बजट मतलब कोई ऐसा खर्चा जिसके लिए हम अलग से प्लानिंग कर रहे हैं जो अलग से हमारे फाइव ईयर प्लान का पार्ट है ठीक है तो फाइव ईयर प्लान का फायदा क्या था इससे हमारी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म सोच पा रही थी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पा रही थी बिगर पिक्चर देख पा रही थी ठीक है तो जो पहला फाइव ईयर प्लान है वो डिसम्बर नाइनटीन में रिलीज होता है जैसे ही पहला फाइव ईयर प्लान आता है अलग अलग टाइप के लोग इसके बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं तो जर्नलिस्ट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लोग इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मर पॉलिटिशियन सब लोग इसी प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमारे देश में बहुत एक जोश था प्लानिंग को लेकर ये जोश सेकेंड फाइव ईयर प्लान तक चलता है कुछ हद तक हम कह सकते हैं थर्ड फाइव ईयर प्लान तक चलता है पर फोर्थ फाइव ईयर प्लान तक तो ये जोश खत्म ही हो जाता है फिर हमारी गवर्नमेंट एक ब्रेक लेती है प्लानिंग से ठीक है सेकेंड फाइव ईयर प्लान 1956 में आता है थर्ड फाइव ईयर प्लान 1961 में आता है फोर्थ फाइव ईयर प्लान को 1966 में स्टार्ट हो जाना चाहिए था पर उस टाइम पर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रही थी तो हमारी गवर्नमेंट ब्रेक ले लेती है प्लानिंग से तो इसे प्लान हॉलीडे बोला जाता है तो कह रहे हैं कि हमारे अलग अलग फाइव ईयर प्लान को लोगों ने अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज करा कमियां निकाली पर जो भी कहो इन फाइव ईयर प्लान में हमने जो भी स्टार्ट करा था उससे इंडिया का एक बेस बना डेवलपमेंट का एक बेस बना पहले फाइव ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं तो पहले फाइव ईयर प्लान में हम अपने देश से गरीबी को हटाने की कोशिश कर रहे थे के एन राज उस टाइम पर एक यंग इकोनॉमिस्ट थे एंड वो मेन मास्टरमाइंड थे फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के पीछे इन्होंने कहा कि इंडिया शुड हासन स्लोली मतलब इंडिया को तरक्की तो करनी है पर हमें ये तरक्की थोड़ी धीरे धीरे करनी है अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो डेमोक्रेसी हमारे देश में नहीं बनी रहेगी फर्स्ट फाइव में हमने खेती के ऊपर फोकस करा, हमने डैम्स बनाए हमने इरिगेशन के ऊपर फोकस करा पार्टीशन के बाद खेती के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है तो हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर को ठीक करने की कोशिश करते हैं इसी दौरान हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जैसे कि भाकरा नंगल डैम और क्या कह रहे हैं इस दौरान हम सोचते हैं कि इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ाना है एंड हमारे इकोनॉमिक प्लान करते हैं कि अगर हम इंडिया के लोगों को समझाएं कि आप अपनी सेविंग बढ़ाओ तो भी क्या होगा इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ने लगेगा अब ये सुनने में तो बहुत इजी प्लान था पर ये थोड़ा करने में मुश्किल था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो लोगों की सेविंग बढ़ रही थी पर फिर थर्ड फाइव ईयर प्लान तक आते आते इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है तो लोगों की सेविंग कम होने लग जाती है ठीक है तो अर्ली नाइनटीन सिक्सटीज और अर्ली नाइनटीन सेवेंटीज के दौरान हम देखते हैं कि लोगों की सेविंग बहुत तेजी से ड्रॉप होने लग जाती है गिरने लग जाती है। तो ये पहला फाइव ईयर प्लान था सेकेंड फाइव ईयर प्लान के मेन मास्टरमाइंड कौन थे पीसी महाल महालनोबिस ठीक है तो पहले फाइव ईयर प्लान में तो बोला जा रहा था कि यार पेशेंट रहो धीरे धीरे काम करो सेकेंड फाइव ईयर प्लान में बोला जा रहा था कि हमें अब बहुत बढ़िया तरीके से बहुत तेजी से डेवलपमेंट करना है ठीक है तो ये प्लान बनने से पहले कांग्रेस ने एक सेशन रखा था मद्रास सिटी के पास एंड कांग्रेस ने बोला कि भाई अब से हम सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाएंगे तो ये चीज हमारे सेकेंड फाइव ईयर प्लान में झलकती है ठीक है और क्या कह रहे हैं द गवर्नमेंट इम्पोज सब्सटैंशियल टैरिफ ऑन इंपोर्ट ऑर्डर टू उनको बचाए रखने के लिए बाकी कंट्रीज से सामान इंपोर्ट करना कम कर दिया ठीक है इस टाइम पर हम अपने देश के कंपनीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है इसे तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और इलेक्ट्रिसिटी रेलवे स्टील मशीनरी कम्युनिकेशन इन सब के ऊपर फोकस किया जा रहा होता है तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में तो खेती के ऊपर फोकस था सेकेंड फाइव ईयर प्लान में क्या फोकस था कि इंडस्ट्रीज भर भर के इंडिया में लाने हैं पर काफी प्रॉब्लम्स भी रही इस प्लान में ठीक है इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रहा है तो उस टाइम पर पीछे था तो अगर आप इतने सारे इंडस्ट्रीज बनाना चाहते हो तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होगी और टेक्नोलॉजी बाकी कंट्रीज से आपको खरीदना होगा उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा तो ये एक दिक्कत थी एंड बहुत सारे लोग ये बोलने लग जाते हैं कि यार तुम इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहे हो तो एग्रीकल्चर का क्या होगा इस दौरान क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कम हो जाता है तो देश में एक फूड शॉर्टेज का माहौल भी बनने लग जाता है ठीक है हमारे जो प्लानर्स थे उनको इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर को बैलेंस करने में दिक्कत आ रही थी और फिर जो तीसरा फाइव ईयर प्लान आता है वो सेकेंड फाइव ईयर प्लान से कुछ खास अलग नहीं होता धीरे धीरे लोग ये बोलने लग जाते हैं कि हमारे देश में एक अर्बन बायस है अर्बन बायस का क्या मतलब है कि हम लोग जो शहर हैं हम उनके डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं गांवों के डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे काफी लोगों का मानना था कि ये गलत है कि हम इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं और खेती के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे कम से कम एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज तो हमें बनाने चाहिए इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर फिनिश हो गया है कन्फेटी टाइम स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी कैपिंग कर लो एक और चैप्टर डन है सबका कूल है आगे बढ़े कॉमन सेक्शन में बताओ हम्म डन रितिका बेटा क्लियर है वेरी गुड हा सुमन कन्फेटी टाइम ठीक है ओके okay. जल्दी जल्दी सब लोग फायर इमोजी डाल दो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी रही हूँ फिर आगे करते हैं आगे के टॉपिक यार ये 2024 ट्वेंटी फोर का डिलीटेड सिलेबस चल रहा है ठीक है तुम हो सकता है तुम लोगों के पास पुरानी एनसीआरटी ये सीबीएसई के हिसाब से हम लोग डिलीटेड सिलेबस कर रहे हैं तो ये चैप्टर इतना ही आ रहा है अच्छा कनिष्का हाई आर्यन थैंक यू सो मच आगे बढ़े यार तीन चैप्टर तो हो गए हैं हमारे पांच चैप्टर्स और करने हैं कर लेंगे वो भी ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो भी कर लेंगे चलो यार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक बार सब लोग फायर इमोजी डाल दो यार ठीक है मुझे दिख जाए हमारे बच्चे रेडी हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं आगे बढ़े यार हम्म हाँ दीपक मैराथन से हो जाएगा चलो कार्तिका स्टार्ट करें प्रिंस हैप्पी सोल प्रबलीन ओके भूमि ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं एक्सटर्नल रिलेशन ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं ठीक है तो जब हमारा देश इंडिया बना था तो उस टाइम पर इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी सारी दिक्कतें चल रही थी जैसे हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे कोलोनियलिज्म धीरे धीरे हर जगह से हटता जा रहा था नए नए देश बन रहे थे वो देश अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी रखने की कोशिश कर रहे थे एंड इसी टाइम के अराउंड हम लोग सोचते हैं कि इंडिया में हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो हमारी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें हमारे अलग अलग एस्पिरेशंस झलकते थे ठीक है तो ग्लोबल लेवल पर भी दिक्कतें चल रही थी इंडिया के अंदर भी उस दौरान दिक्कतें चल रही थी इंडिया के अंदर क्या दिक्कत थी ब्रिटिशर्स जब इंडिया को छोड़कर जाते हैं भयंकर लूट मचा कर जाते हैं वो हमारे देश में उसके बाद पार्टीशन हो जाता है देश में गरीबी थी है ना देश में हमें लोगों को पढ़ाना था तो ये सारी दिक्कतें चल रही थी जब हम इंडिया में अपना एक्सटर्नल पॉलिसी वगैरह बना रहे होते हैं तो वर्ल्ड वॉर का माहौल चल रहा था जब हमारा देश बना 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1947 में हमें आजादी मिलती है ठीक है तो हम जब अपने फॉरेन रिलेशंस बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें हर देश के सोवर्निटी की इज्जत करनी है हमें सिक्योरिटी लाना है अपने देश में हमें शांति बनाए रखनी है एंड ये सारे जो हमारे सपने हैं ये हमारे डी पी एस पी में भी झलकते हैं ठीक है उस दौरान तो क्योंकि कोल्ड वॉर का माहौल था तो जो हमारा पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज थी वो दो ग्रुप में बट गई थी कुछ तो ऐसी कंट्रीज थी जो यूएसए की साइड ले रही थी और कैपिटलिज्म को अपना रही थी कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो सोवियत यूनियन की साइड ले रही थी और सोशलिज्म को अपना रही थी तो पूरा वर्ल्ड ऐसे दो हिस्सों में बट गया था पर हमारे देश में क्या चल रहा था हम लोग नॉन अलाइनमेंट को फॉलो कर रहे थे नॉन अलाइनमेंट का क्या मतलब है कि ना ही हम अमेरिका की साइड लेंगे ना ही हम सोवियत यूनियन की साइड लेंगे इस दौरान हमने ये भी कहा कि एशिया एंड अफ्रीका के कंट्रीज के बीच में यूनिटी एकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है आजादी मिलने से पहले भी आ, ऐसे बहुत सारे देश जहां पर कोलोनियलिज्म चल रहा था हम उनके लीडर्स के साथ कांटेक्ट में रहे हैं जैसे आपको इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पता होगा क्रिएटेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तो ये भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस चीज का कि कैसे इंडिया के लीडर्स आ, अलग अलग कंट्री के लीडर्स के साथ कनेक्टेड रहे हैं ठीक है इस टाइम पर यूनाइटेड नेशंस बन रहा था 1945 में यूनाइटेड नेशन बनता है अलग अलग कंट्रीज के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ रहे थे चाइना बहुत तेजी से ग्रो करे जा रहा था कोलोनियलिज्म धीरे धीरे हटता जा रहा था तो ऐसे माहौल में हमारे देश को आजादी मिलती है तो हमारे एक्सटर्नल रिलेशन में नेहरू जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है क्योंकि नेहरू जी हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर तो थे ही साथ ही साथ वो पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे तो 1946 से 1964 तक हमारी जो पॉलिसी रही है उसमें नेहरू जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है तो तीन ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी के पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें अपनी सोवर्निटी बनाई रखनी है सोवर्निटी मतलब हमारे जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं उनको हमें प्रोटेक्टेड रखना है हमें अपने देश के टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है हमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है बहुत तेजी से हमें अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो नेहरू जी इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे नॉन अलाइनमेंट के थ्रू कि ना ही यूएसए की साइड लेंगे ना ही सोवियत यूनियन की साइड लेंगे ठीक है अब इस दौरान इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि हमें यूएसए की साइड ले लेनी चाहिए क्योंकि यूएसए तो डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रहा की USA की ले लो, वो बढ़िया है कुछ लोग ऐसे थे जो, जो कम्युनिज्म के खिलाफ थे ठीक है तो जैसे भारतीय जनसंघ स्वतंत्रता पार्टी ये सब भी यूएसए की साइड लेना चाहते थे पर नेहरू जी इस चीज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे कि हम तो भाई नॉन अलाइनमेंट ही करेंगे अपने देश में एक मिनट हम्म कूल है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक यही है डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स का क्या मतलब है कि हमें यूएसए के अलायंस को भी ज्वाइन नहीं करना है और हमें सोवियत यूनियन के अलायंस को भी ज्वाइन नहीं करना है हमें नॉन अलाइनमेंट बनाए रखना है अब ये ये बैलेंस रखना हर बार इजी नहीं होता था कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी हरकतें कर जाते थे जिसे देखकर लगता था कि शायद इंडिया बैलेंस नहीं कर पा रहा है जैसे फॉर में ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक करा स्विस कैनाल इशू को लेकर इस दौरान इंडिया बहुत आवाज उठाता है इस इशू के खिलाफ इंडिया कहता है कि यार ये तो एक नया तरीका ढूंढ लिया ब्रिटिशर्स ने कोलोनियलिज्म करने का इसी सेम ईयर में रशिया हंगरी के ऊपर अटैक करता है और हम लोग कुछ बोलते ही नहीं बोलना चाहिए था ना अगर हम हमने ब्रिटेन के खिलाफ बोला तो सोवियत यूनियन के खिलाफ भी बोलना चाहिए था पर इस दौरान हम लोग सोवियत यूनियन के खिलाफ कुछ बोलते नहीं है तो कभी कभी कुछ कुछ ऐसी चीजें होती थी जिसे देखकर लगता था कि इंडिया शायद बैलेंस नहीं कर पा रहा है नॉन अलाइनमेंट को पर ये सिचुएशंस फिर भी थोड़े कम होते थे ओवरऑल इंडिया में क्या था हम लोग नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे ठीक है वाइल इंडिया वाज ट्राइंग टू कन्विंस तो इंडिया सारे कंट्रीज को कन्विंस कर रहा था कि आप भी हमारी तरह नॉन अलाइनमेंट को अपनाओ इतने में क्या होता है पाकिस्तान जाकर यूएसए के टीम को ज्वाइन कर लेता है अब जैसे ही पाकिस्तान यूएसए की टीम को ज्वाइन करता है यूएसए हमसे गुस्सा हो जाता है कि अगर पाकिस्तान आकर हमारी टीम को ज्वाइन कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर रहा है और इस टाइम पर इंडिया और सोवियत यूनियन की दोस्ती बढ़ती जा रही थी तो ये भी यूएसए को अच्छा नहीं लग रहा था ठीक है इस टाइम पर हम लोग आ, आपने पढ़ा है ना अभी हम लोग प्रोटेक्शनिज्म कर रहे थे हम बाकी देशों से सामान इंपोर्ट वगैरह नहीं करते थे ज्यादा तो बाकी कंट्रीज के साथ हमारा इंटरक्शन भी इस दौरान कम चल रहा था नेक्स्ट एफ्रो एशियन यूनिटी नेहरू जी का मानना था कि इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा एशिया में तो नेहरू जी हमेशा कहते थे कि अफ्रीका एंड एशिया की जो कंट्रीज हैं उन्हें साथ में काम करना चाहिए उनके बीच में यूनिटी रहनी चाहिए इसी के चलते एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस भी हुआ था मार्च 1947 में आजादी मिलने के पांच महीने पहले नेहरू जी के लीडरशिप के अंडर हुआ था ये ठीक है तो वो हमेशा एशियन यूनिटी के बारे में बात करते थे इन्होंने बार बार आवाज उठाई कि इंडोनेशिया को आजादी मिल जानी चाहिए तो उस टाइम पर इंडोनेशिया के ऊपर डच लोगों ने कब्जा कर रखा था तो नेहरू जी बोलते थे कि नहीं इंडोनेशिया को आजादी मिल जानी चाहिए इंडिया ने डी कोलोनाइजेशन के ऊपर विश्वास रखा ठीक है हमने रेसिज्म के खिलाफ बोला साउथ अफ्रीका में अपारथाइट के खिलाफ भी हमने आवाज उठाई है इंडोनेशिया के शहर में बैंडंग में कॉन्फ्रेंस होता है जिसे बैंडंग कॉन्फ्रेंस कहा जाता है यहां पर भी एशियान अफ्रीकन नेशंस की यूनिटी के बारे में बात होती है बैंडंग कॉन्फ्रेंस में ही बाद में जाकर नाम नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत होती है जो पहला समिट था नाम का वो बेलग्रेड में हुआ था सेप्टेम्बर नाइनटीन में नेहरू जी नाम के को में से एक है नेक्स्ट चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन कैसा रहा है वो समझते हैं तो देखो पाकिस्तान के साथ तो स्टार्टिंग से ही हमारे रिलेशन ठीक नहीं रहे चाइना के साथ ऐसा नहीं है एक टाइम ऐसा था जब नेहरू जी को चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था हिंदी चीनी भाई भाई बोला करते थे हम लोग उस टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी से बोला था इतना विश्वास मत करो चाइना के ऊपर कल को या आपके ऊपर इंडिया के ऊपर अटैक कर लेगा पर नेहरू जी ने बोला कि यार ऐसा होने के चांसेस तो बहुत कम है और एक एग्रीमेंट है जिसे हम पंचशील एग्रीमेंट कहते हैं तो नेहरू जी एंड चाइना के तरफ से उनके लीडर प्रीमियर जू एंड लाई ये लोग एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसे पंचशील कहा जाता है एंड पंचशील में पांच प्रिंसिपल्स लिखे थे जिससे इंडिया एंड चाइना कह रहे थे कि हम आपस में एक दूसरे की इज्जत करेंगे शांति से साथ में काम करेंगे पर फिर क्या होता है चाइना अपने रंग बदल लेता है तो दो चीजें होती हैं जिससे इंडिया एंड चाइना के रिलेशन थोड़े बदलने लगते हैं ठीक है तो क्या होता है चाइना क्या करता है टिबेट के ऊपर कब्जा करने लगता है नाइनटीन में काफी लंबे टाइम तक हम कुछ नहीं कहते ये सोचकर कि हमें क्या कर लेने दो फिर टिबेट से खबरें आने लगती है कि चाइना के लोग उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं ऐसे में टिबेट के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उन्हें दलाई लामा बोला जाता है हम दलाई लामा को इंडिया लेकर आते हैं इंडिया में प्रोटेक्शन देते हैं जैसे ही हम ये करते हैं चाइना हमसे गुस्सा हो जाता है तो एक इशू तो ये था ठीक है सेकेंड इशू क्या था बाउंड्री को लेकर इंडिया एंड चाइना के बीच में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं ठीक है तो ऐसे दो इलाके हैं हमारे जो इंडिया के हैं पर चाइना क्लेम करता है एक तो है एरिया जो कि लद्दाख में पड़ता है ठीक है और एक है अरुणाचल प्रदेश जिसे उस टाइम पर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था अरुणाचल प्रदेश के पीछे पड़ा रहता है चाइना जबकि ये दो एरियाज हमारे हैं 1957 और 1959 के बीच में चाइना ने अक्साई को ऑक्यूपाई करा एंड वहां पर अपने रोड्स को भी बनाना स्टार्ट कर दिया बहुत लंबे टाइम तक चाइना के लीडर्स और इंडिया के लीडर्स ने डिस्कशन करा पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती फिर क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पर ना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा होता मतलब सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में भयंकर टेंशन चल रहे होते हैं सबका फोकस उनके ऊपर था हमें ऐसा लग रहा था कि बस अभी न्यूक्लियर अटैक मिसाइल अटैक्स होने वाले हैं तो सब उस इवेंट के ऊपर फोकस कर रहे थे ऐसे में अचानक से क्या होता है चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देता है हम बिल्कुल रेडी नहीं थे इस अटैक के लिए इस अटैक में हमारा इंडिया का बहुत ज्यादा नुकसान होता है ये लोग अटैक करते करते अरुणाचल प्रदेश के पूरे एरिया में आ जाते हैं अटैक करते करते आसाम तक पहुंच जाते हैं ये लोग ठीक है लद्दाख में भी ये लोग अटैक करके हमारे एरियाज में आ जाते हैं ठीक है तो ये चल रहा था फिर सडनली चाइना क्या करता है चाइना एंड इंडिया अपने अटैक को रोकते हैं और चाइना अपनी आर्मी को लेकर वापस चाइना चला जाता है पर इस इवेंट से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इमेज पे एक डेंट पड़ा ठीक है क्योंकि हम लोग इस वॉर को सह नहीं पा रहे थे तो हमें अमेरिका और ब्रिटिशर्स से मदद मांगनी पड़ जाती है ये भी एक चीज थी सोवियत यूनियन इस दौरान न्यूट्रल था सोवियत यूनियन ने ना ही हमारी साइड ली ना ही चाइना की साइड ली और नेहरू जी की इमेज को भी बहुत ज्यादा एक धक्का लगता है लोग कहते हैं कि यार नेहरू जी ऐसे इतने नाईव कैसे हो सकते हैं इतने भोले कैसे हो सकते हैं उन्हें पता ही नहीं था कि चाइना अटैक कर देगा और नेहरू जी के जो क्लोज एसोसिएट्स थे उनको रिजाइन करना पड़ जाता है उस टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्णा मेनन वो कैबिनेट छोड़ देते हैं टॉप आर्मी कमांडर्स जो थे वो रिटायर हो जाते हैं तो ये सब चल रहा था नेहरू जी को उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं नेहरू जी को इलेक्शन के रिजल्ट में भी उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता पहली बार ये बात होती है कि चलो गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करा जाएगा तो ये सारी चीजें होने लग जाती हैं ठीक है तो चाइना के साथ वॉर करने के बाद हमें एक चीज समझ में आती है कि नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है हम उसके ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर रहे वहां पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये जब चाइना का वॉर वगैरह खत्म होता है हम नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस करते हैं नागालैंड को स्टेट हुड देते हैं मणिपुर एंड त्रिपुरा उस टाइम पर यूनियन टेरिटरीज थे पर फिर भी हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकते हो ठीक है तो ये इंडिया एंड चाइना का था पाकिस्तान के साथ क्या रहा है वो समझते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में हमेशा से कश्मीर का प्रॉब्लम रहा है कश्मीर का इशू रहा है पर वो हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे आगे एक चैप्टर आएगा उसमें पूरा कश्मीर के बारे में आपको बताया जाएगा तो बीच बीच में इंडिया एंड पाकिस्तान के वॉर भी हुए हैं पर ये कश्मीर वाला जो इशू है ये सॉर्ट नहीं हुआ है ठीक है एंड इंडिया और यूएस रिलेशन इंडिया और चाइना के रिलेशन में भी पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है ठीक है क्या कह रहे हैं कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह है पर जब जरूरत पड़ती है इंडिया एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम भी करते हैं जैसे पार्टीशन के टाइम पर जब वन को एबडक्ट करा जा रहा था किडनैप करा जा रहा था फोर्स मैरिज हो रही थी तो जब पार्टीशन वगैरह हो जाता है तो दोनों गवर्नमेंट्स कहती हैं कि हम जो वुमेन्स जिन वुमेन के साथ फोर्स मैरिज हुआ है उनकी मदद करेंगे और उन्हें अपने घर तक लौटा देंगे ठीक है काफी लंबे टाइम तक इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रिवर वॉटर्स को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे थे फिर बाद में वो भी सॉर्ट हो जाता है वर्ल्ड बैंक हमारी मदद करती है एंड इंडिया और पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी साइन करते हैं हमारी तरफ से नेहरू जी पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान 1960 में इस ट्रीटी को साइन करते हैं उसके बाद रिवर वाटर को लेकर भी ज्यादा दिक्कत रही नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आर्म्ड कंफ्लिक्ट भी दोनों देशों के बीच में हो रखे हैं आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा ये थोड़ा इन डिटेल में कि लाल बहादुर शास्त्री फिर हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जब लाल बहादुर शास्त्री जी लीडर होते हैं उस टाइम पर भी पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है पर ये सब इन डिटेल आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं दिस वॉज फॉलोड बाय अ बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर तो एक टाइम पर पाकिस्तान के लोग जम्मू एंड कश्मीर में अटैक करते हैं उनको ऐसा लग रहा होता है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो लोकल पॉपुलेशन है वो उनको सपोर्ट करेगी एंड वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेंगे पर ऐसा होता नहीं है लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे आ, आर्मी को भेजते हैं वहां पर पंजाब के बॉर्डर पर भी हमारी लड़ाई चलती है एंड इस बैटल में हम लोग पाकिस्तान को बढ़िया हरा रहे होते हैं हम लोग लड़ते लड़ते लाहौर तक पहुंच जाते हैं बाद में हमारे इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान एक एग्रीमेंट साइन करते हैं ताश एग्रीमेंट जनवरी 1966 में उसके बाद ये वॉर खत्म होता है जब लाल बहादुर शास्त्री जी जाते हैं में वहां पर इनकी डेथ भी हो जाती है ठीक है तो ये पूरा केस उस दौरान चल रहा था इस वॉर में हम जीत तो रहे थे पर हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिस वजह से क्या होता है इकोनॉमिक एक 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 क्राइसिस बनने लगता है देश में बांग्लादेश वॉर के बारे में समझते हैं तो 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था ठीक है तो

और इस दौरान क्या होता है शेख मुजिबुर रहमान जो है उनको जेल में भी डाल दिया जाता है फिर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है क्योंकि बांग्लादेश में लोगों को मारा जा रहा था टॉर्चर करा जा रहा था तो बांग्लादेश के लोग भाग भाग कर इंडिया आते हैं हम बांग्लादेश के लोगों से बोलते हैं कि यार तुम्हें खुद का देश बनाना तो बना लो हमारे देश में लोगों को भेजना बंद करो इसके चलते इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है एंड इस वॉर में हम जीत जाते हैं जिसके वजह से बांग्लादेश बनता है बाद में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में एंड उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान में थोड़ी सी शांति बनी रहती है ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आ, अभी आप आगे जाकर पढ़ोगे ये सब इन डिटेल में पर जैसे ही इंदिरा गांधी पाकिस्तान को हराती है नाइनटीन में आ, इस इंसिडेंट के बाद इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद जो भी इलेक्शंस हुए उन इलेक्शंस में इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है इस टाइम पर हम लोग मिलिट्री के ऊपर बहुत खर्चा कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन नवंबर 1962 में बनाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज नवंबर 1965 में बनाया जाता है क्योंकि हम लोग इतना खर्चा कर रहे थे डिफेंस के ऊपर तो हमारे थर्ड फाइव ईयर प्लान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है और फोर्थ फाइव ईयर प्लान तो हमारा बहुत ज्यादा पोस्टपोन हो जाता है तो वॉर्स के बाद डिफेंस के ऊपर हमारा खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाता है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या रही है वो समझते हैं ठीक है तो पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इंडिया ने मे 1974 में करा था नेहरू जी को बहुत विश्वास था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है लेट नाइनटीन में होमी जे बाबा के गाइडेंस के अंडर हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और अच्छे से डेवलप करा इंडिया हमारा ये प्लान रहा है नेहरू जी के अंडर कि हम लोग एटॉमिक एनर्जी को तो यूज करेंगे पर पीसफुल पर्पस के लिए ठीक है नेहरू जी ने बाकी कंट्रीज को मनाया भी कि न्यूक्लियर वेपन्स फालतू में मत बनाओ पर कोई फायदा नहीं होता हर एक कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाती चली जाती है तो चाइना अपने न्यूक्लियर टेस्ट करती है नाइनटीन में उस टाइम पर पांच कंट्रीज थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे यूएसए रशिया यूके फ्रांस एंड चाइना ये पांच कंट्रीज साथ में मिलकर एक ट्रीटी लाते न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 का तो ये पांच कंट्रीज इस ट्रीटी से बाकी कंट्रीज को बोल रहे थे कि भाई हमने तो न्यूक्लियर पावर बना लिया न्यूक्लियर वेपन बना लिया पर तुम लोग न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ इंडिया इस ट्रीटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती हमने बार बार बोला है कि इस ट्रीटी में भेदभाव किया जा रहा इन पांच कंट्रीज, ने खुद तो सब कुछ बना लिया, बाकी कंट्रीज को बनाने नहीं दे रहे हैं ठीक है तो इंडिया ने हमेशा इस चीज को सपोर्ट करा है कि न्यूक्लियर पावर को हमें पीसफुल पर्पज के लिए यूज करना चाहिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे तब इंटरनेशनल लेवल पर भी एक डिफिकल्ट टाइम पीरियड था अरब इजरे वॉर चल रहा था ऑयल क्राइसिस चल रहा था इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया के अंदर भी ठीक नहीं थी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था रेलवे स्ट्राइक चल रहा था तो uh, साधारण चीजों का दाम भी बढ़ता जा रहा था ऐसे टफ हालातों के अंदर हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा था नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि अलग अलग पार्टीज के बीच में माइनर डिफरेंसेस रहते हैं ज्यादातर पार्टीज जब भी पावर में आती हैं सेम तरीके से ही एक्सटर्नल रिलेशन को चलाए जा रहे हैं तो अलग अलग पार्टीज के बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस रहते हैं पर ओवरऑल ज्यादातर पार्टीज सेम तरीके से हमारे फॉरेन पॉलिसी को चला रहे हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने पर विश्वास रखते हैं ये नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखने पर विश्वास रखते हैं इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर फिनिश हो गया है तो आई थिंक आधा मैराथन हमारा हो गया है अब हमें आधा और खत्म करना है ठीक है ओके कूल है यहां तक आगे बढ़े हम्म बताओ जल्दी जल्दी गप्पे मार लो तुम लोग ये ज्यादा जरूरी है इंस्टा ID, हाँ, राहुल तुम इंस्टा ID मांगो लोगों से सुमन क्लियर है बेटा भूमि तीना हाय सुमन वंशिका खुशबू भूमि ओके वेरी गुड आगे बढ़े हाँ सुमन कन्फेटी टाइम अनवी क्लियर है बेटा गौरी सब क्लियर है ठीक है मीना ओके आर्यन थैंक यू सो मच ठीक है यार आगे बढ़ते हैं मैं थोड़ा सा पानी पी लू फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ठीक है रेडी एक बार जल्दी जल्दी फायर इमोजी डाल दो यार कमेंट सेक्शन में फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं वैसे अभी तक हमारा आधा मैराथन तो नहीं हुआ है मेरे आधे स्लाइड्स कंप्लीट नहीं हुए, देखते देखते ओके काफी सारे फायर इमोजीज दिख रहे हैं मुझे बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं ध्यान रखना बच्चों आज नौ बजे हम लोग एक पोल सेशन रखेंगे बुक टू का आ, उस पोल सेशन का लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी पर मिल जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम ठीक है तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी उनकी मे 1964 में डेथ हो जाती है जैसे ही नेहरू जी की डेथ होती है लोगों के दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं नेहरू जी के बाद नेक्स्ट लीडर कौन बनेंगे नेहरू जी के बाद आगे इंडिया का क्या होगा ठीक है और नाइनटीन का जो टाइम था उस टाइम पर इंडिया में दिक्कतें भी बहुत ज्यादा थी गरीबी थी इनकोलिटी थी रिलिजन रिलीजन और रीजन के मामले में लोग लड़ते झगड़ते रहते थे तो लोगों को बहुत टेंशन हो रही थी कि अब नेहरू जी नहीं है तो आगे क्या होगा पर हम लोग बहुत स्मूदली नेक्स्ट लीडर को ले आते हैं उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे के कामराज तो कांग्रेस के लोग सारे डिसाइड करते हैं एंड फिर ये डिसाइड करा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उस टाइम पर नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे यूपी के और नेहरू जी के कैबिनेट में भी उन्होंने काम कर रखा था एंड वो अपने सिंपलिसिटी के लिए जाने जाते थे अपने प्रिंसिपल्स को मानते थे जैसे कि बीच में वो रेलवे मिनिस्टर थे पर जब रेलवे में एक बहुत मेजर एक्सीडेंट होता है तो वो रिजाइन कर देते हैं अपने पोजिशन से ठीक है तो जब शास्त्री जी हमारे लीडर थे देश में दो दिक्कतें चल रही थी एक दिक्कत तो क्या थी कि वॉर का माहौल था वॉर के ऊपर बहुत खर्चा हो रहा था दूसरी दिक्कत क्या थी मॉनसून अच्छे से नहीं हो रहे थे तो खेती अच्छे से नहीं हो रही थी इस दौरान शास्त्री जी एक स्लोगन देते हैं जय जवान जय किसान मतलब हमें अपने सोल्जर्स को भी एंकरेज करना अपने फार्मर्स को भी एंकरेज करना है ठीक है नेक्स्ट क्या होता है शास्त्री जी की सडनली डेथ हो जाती है ताशकंठ में ठीक है तो अब क्या था हमें आगे एक नेक्स्ट लीडर को ढूंढना था तो अब माहौल ऐसा था देश का कि नेहरू जी की डेथ हो गई शास्त्री जी की भी डेथ हो गई अब हमें एक थर्ड प्राइम मिनिस्टर को लाना था तो जब हम थर्ड प्राइम मिनिस्टर चुन रहे थे तो दो लोगों के बीच में टफ कॉम्पिटिशन था एक थे मोरारजी देसाई और एक इंदिरा गांधी तो मोरारजी देसाई पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे बॉम्बे स्टेट के ठीक है और इंदिरा गांधी जी भी पॉलिटिक्स में रह चुकी थी पहले भी फिर क्या होता है फाइनली इन दोनों के बीच में एक टफ कंपटीशन होता है और फिर ये डिसाइड करा जाता है कि इंदिरा गांधी जी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा हम लोग बहुत पीसफुल तरीके से अपने थर्ड प्राइम मिनिस्टर को भी ले आते हैं ठीक है अब ऐसा भी माना जाता है कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने जान के इंदिरा गांधी को जिताया ये सोचकर कि इंदिरा गांधी जी उतनी एक्सपीरियंस नहीं है अगर ये देश के लिए कोई भी डिसीजन लेंगी तो सब कुछ हमसे पूछ पूछ के करेंगी तो इनडायरेक्टली हम चलाएंगे देश को ठीक है तो ऐसा भी बोला जाता है अब इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो देश में बहुत सारी दिक्कतें चल रही होती हैं उन्हें ये भी प्लान करना था कि आगे आने वाले टाइम पर वो इलेक्शन कैसे जीतेंगी है ना उन्हें खुद एक लीडरशिप वाली पोजीशन को भी समझना था और इस दौरान टाइम आ, हमारी इंडिया का भी जो टाइम था वो बहुत बेकार था इकोनॉमिक सिचुएशंस हमारी बहुत बेकार चल रही थी तो इन सारे प्रॉब्लम्स को इंदिरा गांधी जी को टैकल करना था ठीक है तो क्या होता है इंदिरा गांधी क्या करती हैं जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं वो एक डिसीजन लेती हैं जो किसी को अच्छा नहीं लगता वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ फोर्थ जनरल जनरल इलेक्शन इलेक्शन हमारा होता है 1967 में तो इस इलेक्शन का थोड़ा सा माहौल समझते हैं तो क्या होता है मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं बहुत सारी दिक्कतें चल रही होती हैं इस दौरान यूएस से इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है कि आप क्या करो इंडियन रुपीज की वैल्यू को घटा दो इंदिरा गांधी उनके प्रेशर में आ जाती हैं एंड वो क्या करती हैं पहले क्या था यूएस डॉलर कुछ रुपीस फाइव के अराउंड हुआ करता था फिर इंदिरा गांधी ने क्या करा हमारे करेंसी की वैल्यू घटा दी तो कुछ अराउंड रुपीस सेवन के अराउंड हो गया वन डॉलर एंड जैसे ही ये डिसीजन लिया जाता है हमारी इंडिया की पूरी इकोनॉमी सडनली हिल जाती है हर एक चीज का दाम बढ़ जाता है बेरोजगारी बढ़ जाती है देश की इकोनॉमिक कंडीशन एकदम बिगड़ जाती है हर ज हर जगह लोग बंद हड़ताल स्ट्राइक ये सब करने लगते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ एंड गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट समझ नहीं पाती कि यार लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं गवर्नमेंट सोचती है कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है एंड गवर्नमेंट सबको चुप करा देती है इस टाइम पीरियड में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई झगड़े भी बढ़ते जा रहे थे अब देखो देश का माहौल ऐसा है कि सब लोग कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं जाहिर सी बात है ओपोजिशन पार्टी ने इस टाइम पीरियड का भर भर के फायदा उठाया ठीक है तो ओपोजिशन पार्टी के लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ये इनके लिए परफेक्ट टाइम है कांग्रेस को हराने के लिए इस दौरान सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे राम मनोहर लोहिया वो नॉन कांग्रेसिज्म के के एक स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है ये तो सिर्फ रिच लोगों के लिए काम करते हैं ये पुअर लोगों के लिए साधारण लोगों के लिए कुछ काम ही नहीं करते तो इसीलिए कांग्रेस डेमोक्रेटिक नहीं है तो ये कांग्रेस के खिलाफ लोगों को भड़काए जा रहे थे फिर इलेक्शन में क्या होता है ये समझते हैं फेबर so नाइन 1967 में इलेक्शन होता है और ध्यान रखना ये कांग्रेस का पहला इलेक्शन था जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे एंड इस इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो बहुत शॉकिंग था उसे पॉलिटिकल अर्थ को एक कहा जाता है तो क्या होता है कांग्रेस को मेजोरिटी तो मिल जाती है पर ये अब तक कांग्रेस का सबसे बेकार परफॉर्मेंस रहता है इंदिरा गांधी के कैबिनेट में से आधे मिनिस्टर हार जाते हैं और पॉलिटिक्स में जो बहुत सीनियर सीनियर लोग थे वो भी हार जाते हैं के कामराज तमिलनाडु के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार जाते हैं एस के पाटिल हार जाते हैं अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल में हार जाते हैं तो ये माहौल था तो पहले हमने देखा था ना पूरा इंडिया येलो था अब आप देखो इंडिया में काफी सारे स्टेट्स हैं जो रेड हो रखे हैं रेड मतलब ये वो इलाके हैं जहां पर कांग्रेस हार गई तो ऐसे मजाक भी उड़ाया जाता था कांग्रेस का कि अगर आप दिल्ली से लेकर हावड़ा तक एक ट्रेन पकड़ो दिल्ली से लेकर वेस्ट बंगाल तक एक ट्रेन पकड़ो तो आपको बीच में कोई भी कांग्रेस वाला स्टेट दिखेगा ही नहीं ठीक है चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं नाइन स्टेट्स में कांग्रेस हार जाती है ठीक है तो सेवन स्टेट्स में तो कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिलती उसके अलावा दो स्टेट्स में डिफेक्शन होता है तो कांग्रेस हार जाती है तो पंजाब हरियाणा यूपी एमपी बिहार वेस्ट बंगाल उड़ीसा मद्रास और केरला में कांग्रेस हार जाती है मद्रास में क्या होता है डीएम के नाम की एक पार्टी ये लोग पावर में आते हैं तो ये लोग एंटी हिंदी एजिटेशन करके बहुत ज्यादा सपोर्ट जीत जाते हैं और जब डीएम के जीतती है तमिलनाडु में तो ये पहली बार हो रहा होता है हमारे देश में कि कोई नॉन कांग्रेस पार्टी ने खुद इतने मेजोरिटी के साथ इलेक्शन को जीत लिया हो ठीक है ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ऐसे मजाक उड़ाया जाता था कि अगर आप दिल्ली से वेस्ट बंगाल तक जाओगे तो बीच में आपको कोई भी स्टेट नहीं मिलेगा जहां पर कांग्रेस होगी ठीक है तो ये फीलिंग थी कि कांग्रेस ने इतनी बेकार परफॉर्मेंस दी थी पहली बार हमारे देश में हो रहा था नेक्स्ट कोयलेशन नाइनटीन में एक और चीज लोगों को समझ में आने लग जाती है कि अगर ऐसी पार्टीज जो कांग्रेस के खिलाफ हैं, वो साथ में मिलकर काम करेंगे तो शायद वो जीत जाएंगे इसी के चलते ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टी बनती हैं जहां पर नॉन कांग्रेस पार्टी साथ में मिलकर काम कर रही होती है इसी को ही संयुक्त विधायक दल भी बोला जाता है या एसवीडी बोला जाता है शॉर्ट में और एसवीडी में क्या होता था ऐसे पार्टीज जिनकी आपस में बनती तक नहीं थी वो लोग साथ में काम करते थे बस ये सोचकर कि यार कांग्रेस को हरा देंगे साथ में काम किया तो तो एसपीडी में क्या था अगर हम बिहार की बात करें एसएसपी पीएसपी सीपीआई जनसंघ ये सब साथ में काम कर रहे थे पंजाब में भी क्या था राइवल पार्टीज जिनकी आपस में बनती नहीं है वो लोग साथ में काम कर रहे थे कांग्रेस को हराने के लिए नेक्स्ट डिफेक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बता रखा है डिफेक्शन का क्या मतलब होता है अगर कोई मेंबर अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाए तो उसे डिफेक्शन कहते हैं ठीक है डिफेक्शन बेसिकली डिफेक्शन में बहुत सारी चीजें आती है कोई भी एक ऐसा तरीका जिससे तुम अपनी पार्टी को धोखा देकर दूसरी पार्टी की मदद कर रहे हो उसे हम डिफेक्शन कहते हैं तो डिफेक्शन के लिए एक टर्म यूज करा जाता है आया राम गया राम तो हरियाणा के एक एमएलए थे ठीक है उन्होंने क्या करा गया लाल नाम था उनका उन्होंने क्या करा दो हफ्ते के अंदर अंदर तीन बार पार्टी को चेंज करा ठीक है तो इन्हीं के ऊपर ये एक्सप्रेशन बना था आया राम गया राम ये डिफेक्शन के लिए यूज करा जाता है आगे जाकर कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ जाती है तो वो समझते हैं तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या था कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको लग रहा था इंदिरा गांधी उनकी सारी बात मानकर चलेगी पर फिर धीरे धीरे क्या होता है इंदिरा गांधी एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनने लग जाती हैं एंड इंदिरा गांधी को यह एक एहसास होने लग जाता है कि उनको सिंडिकेट से हटना है और इंडिपेंडेंट बनना है सिंडिकेट मतलब ये एक इनफॉर्मल शब्द है जो कि कांग्रेस के टॉप लीडर्स के लिए यूज करा जाता है तो इस दौरान इंदिरा गांधी सोचती है कि बहुत हो गया मुझे सिंडिकेट से दूर हटने की जरूरत है तो जब इंदिरा गांधी इस टाइम इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर होती हैं तो इनके दिमाग में दो दिक्कतें थी एक दिक्कत तो ये थी कि अगला इलेक्शन जीतना है दूसरी दिक्कत ये थी कि ये जो सिंडिकेट के लोग हैं इनसे भी बचना है तो धीरे धीरे इंदिरा गांधी जी थोड़ी और पावरफुल होती जाती हैं एंड वो खुद एक अपना ग्रुप बनाने लगती हैं जिनके ऊपर उन्हें ज्यादा विश्वास होता है वो सिंडिकेट से दूर हटने लग जाती हैं ठीक है तो दो चैलेंजेस इंदिरा गांधी फेस कर रही थी एक सिंडिकेट से दूर होना है दूसरा चैलेंज क्या था कि अगले इलेक्शन में कांग्रेस को जिताना है क्योंकि 1967 के इलेक्शन में तो कांग्रेस बहुत बेकार चल रहा था। तो कांग्रेस को जिताने के लिए इंदिरा गांधी अपने पार्टी का लेफ्ट ओरिएंटेशन कर देती है मतलब प्रो पुअर बना देती है कांग्रेस को टेन पॉइंट प्रोग्राम लेकर आती है इंदिरा गांधी में नाइनटीन में एंड इसमें कहा जाता है कि बैंक को गवर्नमेंट कंट्रोल में लाया जाएगा इनकम इनकम के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा कि इससे ज्यादा इनकम इससे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं हो सकती गरीब लोगों के लिए लैंड रिफॉर्म हाउस साइट ये सब लेकर आती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन का ये सब इंदिरा गांधी करती हैं अब सिंडिकेट के जो लीडर्स थे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इंदिरा गांधी लेफ्ट ओरिएंटेशन में लेकर जा रही हैं कांग्रेस को इसी टाइम पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है 1969 में तो हमारे प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन उनकी डेथ हो जाती है तो प्रेसिडेंट की सीट खाली पड़ जाती है तो हमें एक इलेक्शन करना पड़ता है प्रेजिडेंट को चुनने के लिए इंदिरा गांधी इस दौरान वीवी गिरी जो की वाइस प्रेजिडेंट थे तब गिरी को सपोर्ट कर रही थी कि इनको नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे पर सिंडिकेट के लोग एन संजीवा रेड्डी को सपोर्ट कर रहे थे कि इनको नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे तो फाइनली क्या होता है जब वोटिंग वगैरह हो जाती है तो वीवी गिरी जीत जाते हैं इस दौरान इंदिरा गांधी प्राइवी पर्स को हटाती हैं मतलब प्रिंसली स्टेट में राजा रानी को जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी इंदिरा गांधी बोलती हैं कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है प्राइवी पर्स हटा रहे हैं मोरारजी देसाई इस टाइम पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे इनकी इंदिरा गांधी से बनती नहीं थी तो ये गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं ये कह के कि उन्हें गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी नहीं लग रही फिर ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसमें क्या होता है मैंने वैसे तो बता दिया तुम्हें वीवीईरी जीतेंगे पर थोड़ा और समझते हैं तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे इस दौरान एस दौरानिंगअपा ठीक है तो ये और कुछ और लीडर्स संजीवा रेड्डी को सपोर्ट कर रहे थे इस दौरान इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स हैं वो एक रिक्विजिशन करते हैं रिक्वजिशन मतलब एक रिक्वेस्ट सॉर्ट ऑफ रखते हैं कि कांग्रेस की एक मीटिंग कराते हैं स्पेशल मीटिंग और वहां पे डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रेसिडेंट को वोट दें पर ये मीटिंग कैंसिल हो जाती है ये हो नहीं पाता ठीक है बाद में जब सारे कांग्रेस के लोग वोट वगैरह देते हैं तो हम देखते हैं कि वीवी गिरी जीत जाते हैं और वीवी गिरी को हम नेक्स्ट प्रेजिडेंट बनाते हैं जैसे ही वीवी गिरी जीत जाते हैं कांग्रेस दो हिस्सों में बट जाता है ठीक है तो कांग्रेस में स्प्लिट आ जाता है एक बनता है कांग्रेस ओ और एक बनता है कांग्रेस आर कांग्रेस ओ मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कांग्रेस के पुराने पुराने लीडर्स थे सिंडिकेट थे कांग्रेस आर मतलब कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट क्योंकि इन्होंने रिक्विजिशन करा था कि एक मीटिंग रखते हैं इसीलिए कांग्रेस आर में इंदिरा गांधी एंड उनके सपोर्टर्स थे तो ऐसे दो हिस्सों में कांग्रेस बट जाती है ठीक है तो इंदिरा गांधी ने यह भी बोला कांग्रेस दो हिस्सों में इसीलिए बट रही है क्योंकि कांग्रेस में जो लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिल रही जो लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं वो इंदिरा गांधी के कांग्रेस में हैं एंड जो लोग गरीबों की मदद नहीं करना चाहते वो कांग्रेस ओ में हैं ऐसा भी इंदिरा गांधी ने कहा था नेक्स्ट 1971 के इलेक्शन में क्या होता है ये समझते हैं कांग्रेस तो स्प्लिट हो चुका है इंदिरा गांधी के कांग्रेस में कम लोग हैं पर फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी एंड डीएम के थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी के कांग्रेस को ठीक है नेक्स्ट क्या होता है हमारा अगला इलेक्शन होता है लोकसभा का फरवरी 1971 में तो इस इलेक्शन में कौन-कौन था इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी कांग्रेस आर कांग्रेस ओ भी पार्ट ले रही थी इस इलेक्शन में ठीक है इसके अलावा जो भी लोग कांग्रेस के खिलाफ थे उन्होंने साथ में एक अलायंस बना लिया था जिसे हम ग्रैंड अलायंस कहते हैं एस एस पी पी एस पी भारतीय जनसंघ स्वतंत्रता पार्टी भारतीय क्रांति दल ये सब ग्रैंड अलायंस का पार्ट थे ठीक है और इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है उन्होंने सीपीआई के साथ एक अलायंस बना रखा था फिर क्या होता है आ, इस दौरान इंदिरा गांधी ये कहती थी कि जो भी ये ऑपोजिशन के लोग हैं इनका कोई विजन नहीं है कोई सपना नहीं है ये तो सिर्फ इंदिरा हटाओ के नारे लगाते हैं ये तो सिर्फ इंदिरा गांधी को हटाना चाहते हैं इनका कोई विजन नहीं है पर इस दौरान इंदिरा गांधी जी का क्या स्लोगन था गरीबी हटाओ तो कांग्रेस प्रो पुअर हो गया था गरीबों के लिए काम करने लगा था एंड इंदिरा गांधी और भी बहुत सारी चीजें करने लगी थी गरीबों की मदद करने के लिए फिर फाइनली इलेक्शन इलेक्शन होता है के के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कांग्रेस आर मतलब इंदिरा गांधी की कांग्रेस और सीपीआई साथ में मिलकर बहुत सारे वोट्स हैं। इनको थ्री सेवेंटी फाइव सीट मिलती है फोर्टी एट पॉइंट फोर परसेंट वोट मिलते हैं इंदिरा गांधी की कांग्रेस को अकेले 352 सीट्स मिल जाते हैं कांग्रेस ओ की अगर हम बात करें तो इनको काफी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा नहीं रहता इनको सिर्फ 16 सीट्स मिलते हैं एंड इस इलेक्शन कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस असली कांग्रेस है।, है कि तो निकला। इतनी सारी ने मिलकर फोर्टी सीट्स भी इनको नहीं मिले फोर्टी से कम सीट्स मिलते हैं फिर इसी टाइम पर क्या होता है बांग्लादेश वाली दिक्कत स्टार्ट होती है तो बांग्लादेश वाली दिक्कत में क्या होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है और हम पाकिस्तान को बढ़िया तरीके से हरा देते हैं जैसे ही हम पाकिस्तान को हराते हैं इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि ये तो बहुत बढ़िया लीडर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, पाकिस्तान को हरा दिया इसके बाद अगला इलेक्शन स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं नाइनटीन में उन इलेक्शन में भी इंदिरा गांधी जी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है ठीक है विथ टू सक्सेसिव इलेक्शन अब दो बार इलेक्शन हो गए थे और दोनों इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई थी तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि कांग्रेस रिस्टोर हो गई बीच में 1967 में कांग्रेस की बेकार परफॉर्मेंस रही पर उसके बाद कांग्रेस ने कम बैक कर लिया है ना हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो पर ऐसा है नहीं इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस में और नेहरू जी के कांग्रेस में बहुत फर्क था जैसे नेहरू जी के कांग्रेस में बहुत सारे स्ट्रांग लीडर्स थे पर इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी वो इंदिरा गांधी के दम पर ही चल रही थी है ना उस कांग्रेस में एक ही स्ट्रॉन्ग लीडर थी इंदिरा गांधी एंड उन्हीं के चलते सारा काम चल रहा था अब इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है उसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं है अलग अलग फैक्शन नहीं है तो इस कांग्रेस में वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो अलग अलग प्रॉब्लम्स को झेल पाए सिर्फ कुछ ग्रुप के लोग इस कांग्रेस को सपोर्ट करते थे जैसे कि आदिवासी दलित विमेन पुअर माइनॉरिटीज यही लोग इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे ठीक है तो पॉपुलर तो थी ये वाली कांग्रेस पर इस इस कांग्रेस के अंदर वो पोटेंशियल नहीं था कि वो सारे दिक्कतों को संभाल पाए ठीक है तो ये एक दिक्कत थी इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के साथ इसी के साथ एक और चैप्टर हमारा खत्म हो गया है और यहाँ पर आधा मैराथन हो गया ठीक है तो वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि चार से ऊपर तो हो गए हैं पर पर है, तो है। और तुम्हें कल रिडल बहुत अच्छा लगा था है ना तो मैं एक और रिडल लेकर आई हूं ताकि तुम लोग थोड़ा सा चिल करो इसके बाद हमें आधा और मैराथन करना है ना तो बस ताकि तुम थोड़ा चिल करो मैं एक रिडल लेकर आई हूँ जिसको भी आंसर पता है नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो क्वेश्चन तुम्हारा ये है दिस वहीकल इज स्पेल्ड द सेम फ्रॉम द फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम द बैक तुम इस वहीकल को स्पेल करोगे तो आगे से और पीछे से तुम इसे सेम स्पेल कर सकते हो क्या है किसी को पता है क्या ये क्या है आर्यन तुम्हें बताना है यार ये सुमन हाँ कार ठीक है तो आगे से और मतलब उल्टा भी स्पेल करोगे तो रेस कार रेस कार ही होता है कार्तिका थैंक यू सो मच हम्म ओके चलो यार आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और बाकी हाफ मैराथन अपना कंप्लीट करते हैं ठीक है थोड़ा सा हम अपने स्पीड को बढ़ाते हैं ठीक है फिर हमें नौ बजे भी एक क्लास करनी है कोशिश करते हैं कि अब हम वन आवर के अंदर अपने बाकी चैप्टर्स को फिनिश कर लें ठीक है कोशिश करते हैं बाकी देखते हैं कैसा होता है हम्म क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर से हमें स्टार्ट करना है और लाइक आई सेड स्पीड हम थोड़ी तेज रखेंगे इसमें ओके okay, चलो आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं तो 1971 का इलेक्शन होता है पर उसके बाद से कांग्रेस थोड़ा सा बदल जाता है तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको जून 1975 में जो इमरजेंसी हुई थी उस इमरजेंसी के बारे में बताया जाएगा इमरजेंसी लगाई क्यों गई थी क्योंकि देश के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस चल रहा था ठीक है और जितने जितने शॉकिंग तरीके से इमरजेंसी स्टार्ट होता है जितने सडन तरीके से इमरजेंसी स्टार्ट होता है उतना ही सडनली इमरजेंसी को खत्म भी कर दिया जाता है और 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस हार जाती है तो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं इमरजेंसी का उस दौरान इंदिरा गांधी एक बहुत स्ट्रांग और पॉपुलर लीडर थी पर इस टाइम पर जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में दिक्कतें बढ़ने लग जाती हैं 1971 में कांग्रेस एक स्लोगन लेकर आती है गरीबी हटाओ पर इसके बावजूद इकोनॉमी में कुछ खास बदलाव नहीं आता गरीबी कुछ खास हटती नहीं है इसके अलग अलग कारण भी थे हमने पाकिस्तान के साथ वॉर कर लिया था यूएसए के साथ हमारे रिलेशन ठीक नहीं थे बांग्लादेश से लोग भाग भाग कर इंडिया आ रहे थे और इंटरनेशनल लेवल पर भी क्राइसिस चल रहा था तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी हमने देखा कि इस टाइम पर इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाता है अलग अलग सामान का दाम बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है गवर्नमेंट इस टाइम पे गव... गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सैलरीज को रोक देती है मॉनसून अच्छे से नहीं होता तो खेती भी नहीं हो पाती खाने की कमी पड़ जाने लगती है इस दौरान अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि ये गलत है हमें बदलाव चाहिए इस टाइम पर हम देखते हैं मार्क्सिस्ट ग्रुप्स की एक्टिविटीज भी बढ़ रही थी नक्सलाइट्स, ये सब भी बढ़ता जा रहा था पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल में गुजरात एंड बिहार में स्टूडेंट्स मूवमेंट के बारे में समझते हैं पहले गुजरात से स्टार्ट करते हैं जनवरी 1974 में गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं ये एजिटेशन करना स्टार्ट करते हैं कि यार प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड करप्शन हो रहा है हमें बदलाव चाहिए एंड जब स्टूडेंट्स ये बोलते हैं तो ऑपोजिशन पार्टी के लोग भी इन्हें सपोर्ट करते हैं और ये लोग डिमांड करने लग जाते हैं कि कांग्रेस रिजाइन कर दे मोरारजी देसाई इस टाइम पर फास्ट करते हैं खाना नहीं खाते और वो बोलते हैं कि वो तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक नया इलेक्शन नहीं होता इसी के चलते एक फ्रेश इलेक्शन होता है गुजरात में जून 1975 में इस इलेक्शन में कांग्रेस हमारी हार जाती है बिहार में क्या होता है मार्च 1974 की बात है सारे स्टूडेंट्स खाने की कमी बेरोजगारी करप्शन बढ़ते दाम इन चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे ये लोग जाते हैं जयप्रकाश नारायण के पास एंड जयप्रकाश नारायण से बोलते हैं कि आप हमारे मूवमेंट के लीडर बन जाओ जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं लीडर तो बन जाऊंगा पर ये मूवमेंट हमारा नॉन वायलेंट होना चाहिए और इस मूवमेंट में हमें Uh, सिर्फ बिहार तक नहीं रहना पूरे इंडिया तक इस मूवमेंट को ले जाने की कोशिश करनी है इन लोगों ने डिमांड करा कि कांग्रेस गवर्नमेंट को हटा दिया जाए इसी के चलते हर जगह स्ट्राइक प्रोटेस्ट बंद घेराव ये सब होने लग जाता है इस टाइम पर रेलवे भी अपना स्ट्राइक कर रहा था जॉर्ज फर्नांडिस ने ये स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कराया था रेलवे का भी स्ट्राइक चल रहा था तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी 1975 में जयप्रकाश नारायण कहते हैं सारे लोगों से कि चलो पार्लियामेंट तक मार्च करके जाएंगे ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली रहा है हमारे कैपिटल में एंड इस दौरान जो भी कांग्रेस के खिलाफ थे कांग्रेस ओ भारतीय लोकदल ये सब जयप्रकाश नारायण की साइड ले लेते हैं लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं कि इंदिरा गांधी की जगह जयप्रकाश नारायण को ले लेनी चाहिए क्योंकि वो डेमोक्रेसी को लेकर आएंगे पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो जयप्रकाश नारायण को पसंद नहीं करते थे उनका ये मानना था कि ये लोग बदलाव नहीं लाने वाले ये लोग तो सिर्फ इंदिरा गांधी के खिलाफ हैं तो ये कुछ नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं इंदिरा गांधी को हटाने के लिए नेक्स्ट गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के आपस में बन नहीं रही थी इस टाइम पर ये समझते हैं तो इस टाइम पर तीन दिक्कतें थी ठीक है एक दिक्कत तो क्या थी पार्लियामेंट ये सोचने लगती है कि क्या हम फंडामेंटल राइट को हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं ठीक है तो उसके बाद पार्लियामेंट कहती है कि क्या हम राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड कर दे सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि नहीं आप ये भी नहीं कर सकते फिर पार्लियामेंट कहती है कि क्या हम डीपीएसपी को ऊपर रखकर फंडामेंटल राइट को बदल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संविधान में कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता फिर क्या होता है नाइनटीन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोजिशन है उसमें वेकेंसी आती है Normally, हम क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं हम उनको नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं पर इस बार तीन सीनियर जज थे हम उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाते उनकी जगह ए एन रे को चीफ जस्टिस बनाया जाता है और ये जो तीन जज थे जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया ये तीन जज ऐसे थे जिन्होंने कभी ना कभी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ रूलिंग कर रखी थी तो इस टाइम पर लोग धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं कि गवर्नमेंट की पर्सनल फीलिंग्स पॉलिटिक्स में मिक्स हो रही हैं पॉलिटिकल पावर का मिसयूज किया जा रहा है फिर क्या होता है 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा अलाहाबाद हाई कोर्ट में ये बोल देते हैं कि इंदिरा गांधी का लोकसभा का इलेक्शन इनवैलिड है राज नारायण ने एक पेटीशन फाइल करी होती है कोर्ट में जिसमें राज नारायण कहते हैं कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है 1971 का वो गलत है क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स के सर्विसेज को यूज करा कैंपेन में जो कि गलत है तो हाई कोर्ट क्या कह देती है कि इनवैलिड है इलेक्शन इलेक्शन इनवैलिड होने का क्या मतलब है कि इंदिरा गांधी अब एमपी नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर रहना है तो आगे आने वाले सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर उन्हें फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतना होगा पर जून 24 को सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर लेकर आती है और कहती है कि हाई कोर्ट जो ऑर्डर लेकर आई है हम उस ऑर्डर को अभी रोक रहे हैं कर रहे हैं हैं नेक्स्ट क्या-क्या दिक्कतें स्टार्ट होती जयप्रकाश नारायण इस दौरान आवाज उठाने लगते हैं कि इंदिरा गांधी जी को रिजाइन करा दो इसी के चलते दिल्ली के रामलीला मैदान में ट्वेंटी जून नाइनटीन में बहुत ज्यादा भयंकर स्ट्राइक होने लग जाता है पुलिस एंड गवर्नमेंट से जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट आपसे कुछ गलत कराए तो आप मत करना तो हमारे इंडिया का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो एकदम थमने वाला था 25 जून को क्या होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस कहकर आर्टिकल 352 को यूज करके इमरजेंसी हमारी कांग्रेस डिक्लेयर कर देती है जैसे ही इमरजेंसी लगती है सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कोई पावर नहीं रहती और गवर्नमेंट के पास ये पावर भी आ जाती है कि वो लोगों से फंडामेंटल राइट्स को छीन ले एमरजेंसी जनरली एक्स्ट्रॉडरी में यूज करा जाता है तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी रात को क्या करती हैं प्रेसिडेंट से बात करती हैं फकरुद्दीन अली अहमद से बात करती हैं एंड उनसे कहती हैं कि आप इमरजेंसी लगवा दो एंड प्रेसिडेंट लगवा देते हैं जैसे ही इमरजेंसी लगती है मिडनाइट में सारे जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर पेपर ऑफिस थे उनकी इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया जाता है ठीक है ऑपोजिशन पार्टी के सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है अगले दिन सुबह छह बजे कैबिनेट के लोगों को बताया जाता है कि इमरजेंसी लग गई है तो क्या होता है जब इमरजेंसी लगती है तो सारे स्ट्राइक्स वगैरह बंद हो जाते हैं मीडिया के हाथ में जो आजादी थी वो छीन ली जाती है प्रेस सेंसरशिप लगा दी जाती है मतलब मीडिया को अगर कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ छापना है तो वो अलाउड नहीं है ठीक है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जामत इस्लामी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है अलग अलग फंडामेंटल राइट्स को भी रोक दिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब अगर किसी इंसान ने कुछ गलत नहीं करा फिर भी तुम्हें उस इंसान के ऊपर शक है कि ये आगे जाकर कुछ गलत कर सकता है तो तुमने सिर्फ सस्पेशन के आधार पर उसे जेल में डाल दिया तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाकर बहुत सारे लीडर्स को इस दौरान अरेस्ट किया जाता है ठीक है और गवर्नमेंट का ये मानना था कि जिनको अरेस्ट कर रहे हैं उनके फैमिलीज को भी इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है ठीक है कोर्ट इस टाइम पर जजमेंट देती है कि यार ठीक है प्रिवेंटिव डिटेंशन चल भी रहा है तो हेबियस नाम का एक रिट है हमें वो रिट यूज करके इनके फैमिलीज को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ये सारी बातें हाई कोर्ट कहती है पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि हाई कोर्ट का ये जो डिसीजन है इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जब ये कहती है कि हाई कोर्ट की इस बात को कंसिडर नहीं करा जाएगा ये आज तक

ये अपने मैगजीन को ही बंद कर देते हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट को भी इस दौरान अरेस्ट कर लिया जाता है एक कन्नड़ राइटर थे शिवराम करंत एक हिंदी राइटर थे फनीश्वर नाथ रेनू। इन लोगों को पद्म भूषण और पद्मश्री मिल रखा था तो इस दौरान ये अपने अवार्ड्स को वापस लौटा देते हैं गवर्नमेंट को ठीक है पार्लियामेंट संविधान को बहुत ज्यादा बदलती है Uh, इस दौरान गवर्नमेंट संविधान में बदलाव कर कर कह देती है कि अब से हाई कोर्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकती इसी दौरान फोर्टी सेकेंड भी आता है uh, इस अमेंडमेंट में लेजिस्लेचर पांच साल के लिए होती है ना ये लोग कह देते हैं कि लेजिस्लेचर अब से छह साल के लिए रहेगी और इमरजेंसी के टाइम पर एक साल एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर सकते हैं हम तो पांच की जगह छह साल और इमरजेंसी के वजह से एक साल और एक्सटेंड करा जा रहा है तो 1970 के बाद इलेक्शन होना चाहिए था 1976 में पर ये लोग कह रहे थे कि अब अब अगला इलेक्शन 1978 में होगा चलो इमरजेंसी से हमें क्या क्या सीखने को मिला पहली चीज हमें ये सीखने को मिली कि इंडिया में इमरजेंसी तो आ गया पर फिर भी डेमोक्रेसी से लोगों को बहुत प्यार है जैसे ही इमरजेंसी हटा फिर से सब नॉर्मल हो गया डेमोक्रेसी वापस आ गया पहली चीज हमने ये सीखी इंडिया में डेमोक्रेसी को हटाना बहुत मुश्किल है नेक्स्ट हमें ये समझ में आया कि संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं इमरजेंसी को लेकर जो हमें ठीक करने की जरूरत है और हमने ठीक भी कर दी जैसे अब अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर आपको इमरजेंसी लगानी है तो आर्मड रेबलियन वायलेंस होना चाहिए अगर आपको इमरजेंसी लगाना है तो कैबिनेट को रिटर्न में देना होगा प्रेसिडेंट को तभी ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है इमरजेंसी के बाद हमें इस चीज का भी एहसास हुआ कि हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमने ये भी सोचना स्टार्ट करा कि अगर गवर्नमेंट अपना काम कर रही है एंड उस दौरान ऑपोजिशन पार्टी के लोग बहुत ज्यादा हंगामा मचाएंगे आवाज उठाएंगे तो क्या होगा क्या वो गवर्नमेंट के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा ये भी हमने सोचना स्टार्ट करा ठीक है नेक्स्ट इमरजेंसी से हमें ये भी आइडिया लगा कि इमरजेंसी में जो कुछ भी हुआ वो ज्यादातर चीज़ें तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हुई है ना तो इमरजेंसी के बाद हमने ये भी सोचना स्टार्ट करा कि पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पास खुद की कितनी इंडिपेंडेंस है शाह कमीशन बनाई जाती है शाह कमीशन का काम था यह देखना कि इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ने अपने पावर्स को कितना मिसयूज़ करा तो शाह कमीशन भी ये कहती है कि पुलिस तो बहुत वलनरेबल हो गई थी पुलिस अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रही है इमरजेंसी के बाद हमारे पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आया वो समझते हैं नाइनटीन में हुआ अगला इलेक्शन एंड इस इलेक्शन को बेसिकली इमरजेंसी का रेफेंड्रम बना दिया गया था रेफेंड्रम मतलब जिनको इमरजेंसी सही लगी वो कांग्रेस को वोट देंगे जो लोग इमरजेंसी से परेशान थे वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे इस दौरान ऑपोजिशन पार्टी के लोग एक स्लोगन लेकर आते हैं सेव डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को बचाओ ठीक है तो इस सेंस में 1975 से 1977 के बीच में इंडिया में डेमोक्रेसी और स्ट्रोंग हो गई हमें एहसास हुआ कि डेमोक्रेसी और इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट होता क्या है इस इलेक्शन में तो ये अगला इलेक्शन हमारा कब होता है मार्च 1977 में सारे ओपोजिशन लीडर्स को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है इस दौरान अलग अलग पार्टी साथ में मिलकर जनता पार्टी बनाते हैं ठीक है और जनता पार्टी के लीडर कौन थे जयप्रकाश नारायण और क्या था कुछ कांग्रेस के लीडर्स जो कि इमरजेंसी से खुश नहीं थे वो कांग्रेस को छोड़कर एक नई पार्टी बनाते हैं उस पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बाद में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जनता पार्टी के साथ ही जुड़ जाती है और जयप्रकाश नारायण डेमोक्रेसी के एक सिंबल बन जाते हैं इस इलेक्शन में क्या था जो लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते उनके वोट्स बटते नहीं हैं ठीक है थीके? तो आजादी मिलने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस हार गई थी कांग्रेस को सिर्फ 154 सीट्स मिलते हैं 35 से भी कम परसेंट वोट्स इनको मिलते हैं जनता पार्टी एंड उनके सारे अलायसेस को 330 सीट्स मिलते हैं जनता पार्टी को अकेले 295 सीट्स मिल गए थे तो नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था बिहार यूपी दिल्ली हरियाणा पंजाब इन सारे एरियाज में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इंदिरा गांधी एंड उनके जो सन थे संजय गांधी वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हार जाते हैं ठीक है तो आप देखो इंडिया का मैप बीच में से पूरा ग्रीन हो रखा है ना तो ये जहां पर भी ग्रीन हो रखा है वहां पर जनता पार्टी जीत रही थी अब देखो साउथ में तो येलो ही है यहां पर भी येलो है तो ऐसे एरियाज जहां कांग्रेस को वोट मिल रहे थे उसका कारण यह था कि यहां तक इमरजेंसी पहुंची नहीं यहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे सब नॉर्मल चल रहा था तो इन लोगों को पता ही नहीं चला कि इमरजेंसी में क्या क्या दिक्कतें हुई तो ये लोग अपना नॉर्मल कांग्रेस को ही वोट दे रहे थे ठीक है तो इमरजेंसी का इम्पैक्ट हर जगह इक्वल नहीं था साउथ तक तो इमरजेंसी का कोई इम्पैक्ट पहुंचा ही नहीं अब जनता गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो मोरारजी जब जनता गवर्नमेंट जीतती है तो तीन लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन था कि अगला प्राइम मिनिस्टर किसे बनाए। एक मोरारजी देसाई एक चरण सिंह और एक जगजीवन राम ठीक है फिर फाइनली क्या होता है इन लोगों के बीच में कंपटीशन चलता है और मोरारजी देसाई को हम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं पर जनता पार्टी का कोई डायरेक्शन ही नहीं था कोई विजन ही नहीं था ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे फिर बीच में क्या होता है जनता पार्टी बट जाती है और मोरारजी देसाई की मेजोरिटी हट जाती है फिर एक और गवर्नमेंट आती है जिसके लीडर थे चरण सिंह ठीक है तो काफी टाइम तक ये पावर में रहते हैं क्योंकि कांग्रेस इन्हें सपोर्ट कर रही थी फिर कांग्रेस बीच में कह देती है कि भाई हम तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे तो चरण सिंह की गवर्नमेंट भी हट जाती है फिर नए इलेक्शन होते हैं जनवरी 1980 में यहां पर इस 1980 वाले इलेक्शन में जनता पार्टी हार जाती है और कांग्रेस फिर से बहुत बढ़िया तरीके से अपना इलेक्शन जीतती है इससे हमें एक और चीज सीखने को मिली क्या कि अगर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी तो अगले इलेक्शन में वो गवर्नमेंट हार जाएगी ठीक है तो क्या लग रहा है फिर से इंदिरा गांधी जीत गई तो क्या इसका मतलब ये है कि कांग्रेस फिर से रिस्टोर हो गई तो नहीं मैंने आपको पहले भी बताया इंदिरा गांधी की कांग्रेस और नेहरू जी के कांग्रेस में बहुत ज्यादा फर्क है इस कांग्रेस में सिर्फ इंदिरा गांधी ही पॉपुलर थी एंड इस कांग्रेस में वो पोटेंशियल नहीं था कि अलग अलग टेंशन को संभाल पाए ठीक है इस टाइम पर बैकवर्ड कास्ट के वेलफेयर के बारे में बातचीत होने लग जाती है ठीक है हम देखते हैं कि बैकवर्ड कास्ट का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ जाता है इलेक्शन में ठीक है नॉर्थ सेलेक्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन विच लीडर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट जब बीच में नॉर्थ के स्टेट्स नॉन कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे थे उसमें भी बैकवर्ड कास्ट के जो लीडर्स थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा मंडल कमीशन मंडल कमीशन आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे मंडल कमीशन को जनता पार्टी अपॉइंट करती है एंड ये बात होने लग जाती है कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए ये जो टाइम पीरियड था इस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो चल ही रहा था पर पॉलिटिकल क्राइसिस भी साथ में चल रहा था इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कांग्रेस के पास उस टाइम पर बढ़िया मेजोरिटी थी पर उसके बावजूद कांग्रेस को ऐसा लगा कि इमरजेंसी लगानी पड़ेगी है ना तो डेमोक्रेसी में कुछ भी प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता है इस इवेंट के बाद हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि मास प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में करना सही है या नहीं है अगर हम इतना प्रोटेस्ट करेंगे कि रूलिंग पार्टी काम ही नहीं कर पाएगी तो वो सही है या नहीं है पर हाँ ऑफकोर्स डेमोक्रेसी में एक बढ़िया चीज ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट नहीं पसंद तो आप आराम से अपनी आवाज उठा सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ ठीक है इसी के साथ एक और चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है स्टूडेंट्स कन्फेटी टाइम जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो कूल cool है सबको जतिन और खुशबू इतनी बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं ना स्नैप आईडी दिलवा दो इन दोनों को बस हम्म अनवी क्लियर है सबसे अच्छा टाइम कन्फेटरी टाइम हाँ रीहा तानिया दिव्या भूमि हाँ हैप्पी सोल मैं पानी पीने वाली हूं अभी प्रेरणा क्लियर रितिका ओके आर दो और चैप्टर बचे हैं वो भी खत्म कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यार तुम लोग फायर इमोजी डालो मैं थोड़ा सा पानी पी रही हूँ फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है यार आज नौ बजे क्लास है अन अकेडमी पे लगाई है मैंने वो क्लास फ्री क्लास है सब लोग आ जाना ठीक है पोल सेशन करेंगे ओके आगे बढ़ते हैं आ, नेक्स्ट अपना चैप्टर देखते हैं नेक्स्ट रीजनल एस्पिरेशन है तो रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर थोड़ा लंबा है इसमें बेसिकली जम्मू कश्मीर पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमें पढ़ लेना है जम्मू एंड कश्मीर से शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट था और हमने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे रखा था आर्टिकल 370 के थ्रू ठीक है एंड जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग इश्यूज रहे हैं जैसे पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को क्लेम करता है तो बहुत वायलेंस भी रहा है इस एरिया में एक टाइम ऐसा भी आया था जब कश्मीरी पंडित को कश्मीर वैली से डिस्प्लेस होना पड़ा था तो अलग अलग इश्यूज रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के साथ इस एरिया को समझने के लिए पहले इस एरिया की जोग्राफी को समझेंगे इस इलाके में तीन एरियाज आते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख जम्मू की अगर हम बात करें यहाँ पर हिल्स भी हैं प्लेन्स भी हैं यहाँ पर हिंदू लोग ज्यादा हैं बाकी मुस्लिम एंड सिख भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर वैली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप देखोगे कि मुस्लिम्स ज्यादा दिखेंगे उसके अलावा हिंदू सिख एंड बुद्धिस्ट भी दिख जाएंगे लद्दाख जो एरिया है यहाँ पर माउंटेनियस एरिया है माउंटेन ज्यादा है पॉपुलेशन कम है पर जितनी भी लोग हैं वो या तो बुद्धिस्ट हैं या फिर वो लोग मुस्लिम हैं क्या दिक्कत है जम्मू एंड कश्मीर की वो समझते हैं 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट था यहाँ पर एक राजा थे महाराजा हरि सिंह नाम से ठीक है तो पाकिस्तान का हमेशा से कहना है कि कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा हैं तो जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना देना चाहिए बट जम्मू एंड कश्मीर के लोग पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे एंड वो ये सोचते हैं कि हम इंडिया एंड पाकिस्तान को ज्वाइन करने से पहले सबसे ऊपर हम लोग कश्मीरी हैं एंड इनके जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं इनको हम कश्मीरियत कहते हैं तो यहां पर एक पॉपुलर मूवमेंट होता है जिसमें शेख अब्दुल्ला लीडर होते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कांग्रेस के साथ कनेक्शन भी रहा है शेख अब्दुल्ला क्या कहते हैं कि उन्हें महाराजा को हटाना है पर शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अटैक करता है जिसके वजह से महाराजा इंडिया की आर्मी से मदद मांगते हैं इंडिया की की, आर्मी मदद तो कर देती है महाराजा महाराजा पर हम महाराजा से कहते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो इंडिया का पार्ट बनो तभी हम मदद करेंगे फिर हम इस वॉर में पाकिस्तान को हराते हैं पर पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के एक इलाके के ऊपर कंट्रोल कर लेता है जिसे हम पीओके भी कहते हैं बीच में आ, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है कि तीन स्टेप लिए जाएंगे इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन को नॉर्मल करने के लिए तो पहला स्टेप क्या लिया गया था पाकिस्तान से ये बोला गया कि आप अपने आ, आर्मी को हटाओ कश्मीर से अपने आर्मी को हटाओ सेकंड इंडिया से बोला गया कि आप भी अपने आर्मी को थोड़ा सा रिड्यूस करो लॉ एंड ऑर्डर बनाने की कोशिश करो थर्ड बोला गया कि कश्मीर के लोगों से पूछो कि उनको क्या चाहिए ये तीन स्टेप्स तो बता दिए पर इन तीनों स्टेप्स पे कोई काम नहीं होता शेख अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो वो मार्च 1948 तक जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था जम्मू एंड कश्मीर में हम आर्टिकल 370 लेकर आते हैं जिसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी दिक्कत थी और एक्सटर्नल दिक्कतें भी थी एक्सटर्नल दिक्कत क्या थी कि पाकिस्तान कश्मीर वैली को क्लेम करता रहता है ठीक है और पाकिस्तान कश्मीर में वायलेंस को भी एंकरेज करता रहता है इंडिया तो क्या कहता है कि पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के इलाके को क्लेम कर रखा है पर पाकिस्तान कहता है कि नहीं वो जो इलाका है वो तो आजाद वो आजाद पाकिस्तान का हिस्सा है नेक्स्ट इंटरनली क्या दिक्कत है इंटरनली जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर दिक्कत चल रही थी तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि आर्टिकल 370 आ, अच्छा नहीं है आर्टिकल 370 सेवेंटी की वजह से जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं बन पा रहा जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के बाकी स्टेट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए ठीक है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आर्टिकल 370 में कुछ दिक्कतें हैं आर्टिकल 370 को और बेटर बनाओ तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का कहना था इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइड कराओ वहां के लोगों से पूछो कि वो क्या चाहते हैं सेकेंड इन्होंने कहा कि आर्टिकल थ्री सेवेंटी में और ऑटोनॉमी और पावर्स दो हमें थर्ड इन्होंने क्या कहा कि बाकी इंडिया में जो डेमोक्रेसी चल रही है वो जम्मू कश्मीर तक पहुंच नहीं पा रही है ठीक है फिर क्या होता है शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं है ना उसके बाद से वो अलग अलग पॉलिसीज लेकर आते हैं और आम जनता उनसे बहुत ज्यादा खुश भी होती है फिर 1953 में उनको डिसमिस कर दिया जाता है एंड उनके बाद जो नेक्स्ट लीडर आते हैं उनको जनता पसंद नहीं करती और जनता ये भी कहती है कि ये तो गलत तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं 1953 और 1972 के बीच में कांग्रेस का इन्फ्लुएंस ज्यादा था जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में से शेख अब्दुल्ला हट चुके थे पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहा था और ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर को रूल कर रहे थे तो कांग्रेस के पास एक कंट्रोल था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर नेक्स्ट क्या होता है शेख अब्दुल्ला के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बातचीत करती है ठीक है उसके बाद एक अमेंडमेंट करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर के संविधान में और कह देते हैं. कि अब से जम्मू एंड कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेंगे चीफ मिनिस्टर बोलेंगे इसी के चलते गुलाम मोहम्मद सदीक जो की इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे वो पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के ठीक है नेक्स्ट क्या होता है 1974 में इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला की बातचीत होती है और शेख अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है जब ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ये अपने ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से बनाते हैं 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ होती है एंड उनके एक सन होते हैं फारूक अब्दुल्ला वो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनते हैं पर फारूक अब्दुल्ला को भी डिसमिस कर दिया जाता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एक छोटा सा हिस्सा फिर से पावर में आ जाता है जब फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को डिसमिस करा जाता है कश्मीर के लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं उनको ऐसा लगने लग जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको टारगेट कर रही है नेक्स्ट क्या होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1986 नेशनल कॉन्फ्रेंस 1986 में कांग्रेस के साथ एक अलायंस बना लेते हैं ठीक है आगे की कहानी क्या बता रहे हैं आपको इट वाज इन दिस एनवायरनमेंट 1987 असेंबली इलेक्शन टुक प्लेस 1987 के इलेक्शन में क्या होता है वो समझते हैं इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस जीत जाती है फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं पर जनता का ये मानना है कि ये इलेक्शन पूरे तरीके से करप्ट था ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपसे यहाँ के लोगों को एक ऐसे फीलिंग आने लग जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं कर रहे और यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस अच्छे से नहीं चल रहे बाई 1989, एटी नाइन दै कम इनिटेंट मूवमेंट नाइनटीन एटी 1989 तक आते आते यहाँ पर एक मिलिटेंट मूवमेंट सा स्टार्ट हो गया था एंड पाकिस्तान के लोग यहाँ पर वायलेंस बहुत आ, एंकरेज कर रहे थे 1990 के बाद और कश्मीर में बहुत भयंकर वायलेंस होता है ठीक है लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं फिर अगला असेंबली इलेक्शन 1996 में होता है इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके लीडर फारूक अब्दुल्ला थे वो पावर में आते हैं फिर क्या होता है टू में इलेक्शन होते हैं इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में पावर नहीं जाती बल्कि एक गठबंधन बनता है जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस साथ में काम करते हैं एंड ये लोग इस इलेक्शन में जीत जाते हैं 2002 के बाद आगे क्या होता है मुफ्ती मोहम्मद जो है वो हेड बनते हैं गवर्नमेंट के ठीक है एंड इनके बाद गुलाम नबी आजाद पावर में आते हैं ठीक है फिर क्या होता है एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है जुलाई 2008 में यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करके प्रेसिडेंट रूल चल रहा होता है अगला इलेक्शन 2008 में होता है यहाँ पर फिर से एक गवर्नमेंट आती है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ में काम करते हैं और ओमर अब्दुल्ला इस इलेक्शन को जीतते हैं फिर क्या होता है 2014 में एक और इलेक्शन होता है इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट रहा फिर से एक गवर्नमेंट बनती है जिसके लीडर थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो कि पीडीपी से थे एंड इन्होंने बीजेपी के साथ काम करा एंड ये लोग जीतते हैं इस इलेक्शन में मुफ्ती मोहम्मद के डेथ के बाद उनकी डॉटर महमूबा मुफ्ती फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनती हैं 2016 में जम्मू एंड कश्मीर की इस दौरान टेररिज्म एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टरबेंसेस बहुत ज्यादा चल रहे थे जिस वजह से फिर से प्रेसिडेंट रूल यहां पर लगा दिया जाता है फिफ्थ तो ऑगस्ट 2019 को आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है इसे दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर की कहानी थी ये पंजाब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो लेट uh, नाइनटीन के अराउंड पंजाब में भी कुछ कुछ चेंजेस आने लगते हैं एक टाइम ऐसा आता है जब हम पंजाब से ही हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग कर देते हैं ठीक है फिर यहाँ पर अकाली दल नाम से एक पॉलिटिकल विंग थी जो कि पंजाबी सूबा बनाने पर विश्वास रखती थी सिख यहाँ पर मेजॉरिटी में आ गए थे जब से हरियाणा बना और पंजाब सेपरेट स्टेट बना थोड़ा पॉलिटिकल कंटेक्ट समझते हैं तो ये जो अकालीज हैं ये 1967 और 1977 में पावर में आए थे और दोनों टाइम गठबंधन को गवर्नमेंट इन्हें डिसमिस कर देती थी दूसरा कारण ये था कि हिंदूज इन्हें सपोर्ट नहीं करते थे तीसरा कारण ये था कि सिख कम्युनिटी में भी जो माइनॉरिटीज थे वो कांग्रेस को ज्यादा पसंद करते थे अकाली धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं कि उन्हें और पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए वो आनंदपुर साहिब में 1973 में मिलते हैं और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास करते हैं जहां पर ये लोग कहते हैं कि सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन को फिर से डिफाइन करो ये लोग सिख कम्युनिटी बनाने के बारे में सिख नेशन बनाने के बारे में बात करते हैं सिख बोलबाला मतलब सिख लोगों का डोमिनेंस इन चीजों के बारे में ये लोग बात करने लगते हैं और कहते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म को और बेटर बनाओ पर ये जो रेजोल्यूशन था सिख लोगों ने ज्यादा सपोर्ट नहीं करा इस रेजोल्यूशन को ठीक है नेक्स्ट क्या होता है अकाली दल ये बोलने लग जाती है कि रिवर वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब एंड साइड के जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कैसा चल रहा है इस इशू को भी अकाली दल रेस करती है धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आता है जब वायलेंस फैलने लग जाता है तो अकालीज में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे ये मिलिटेंट एक्टिविटी वायलेंस कर रहे थे और ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर को अपना मेन हेडक्वार्टर मेन बेस बना लेते हैं ये बात हमारी गवर्नमेंट को पता चलती है 1984 में हमारी गवर्नमेंट ऑपरेशन ब्लू ऑपरेशन ब्लू स्टार लेकर आती है जिसमें हमारी आर्मी जाती है गोल्डन टेम्पल के अंदर एंड सारे मिलिटेंट्स को हम लोग पकड़ लेते हैं पर सिख कम्युनिटी के लोग इस ऑपरेशन को पसंद नहीं करते उनका मानना है कि जो हिस्टोरिक टेम्पल है उस टेम्पल को डैमेज किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर ठीक है तो सिख कम्युनिटी रूलिंग पार्टी से बहुत गुस्सा हो जाती है एंड थर्टी फर्स्ट अक्टूबर एटी को इंदिरा गांधी को एसेसिनेट कर दिया जाता है इंदिरा गांधी के दो सिख बॉडी थे वो इंदिरा गांधी को असैसिनेट करते हैं और ये कहते हैं कि हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया जैसे ही ये असैसिनेशन होता है दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में बहुत भयंकर वायलेंस होने लग जाता है सिख कम्युनिटी के खिलाफ एक हफ्ते तक ये वायलेंस कंटिन्यूसली चलता रहता है कानपुर और बोकारो में भी ये वायलेंस बहुत ज्यादा था सिख फैमिलीज के बहुत सारे मेंबर्स की जान चली जाती है इस वायलेंस में गवर्नमेंट बहुत लंबा टाइम लगाती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आ, कुछ वन वीक के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है एंड उसके ट्वेंटी ईयर्स बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह वो सिख कम्युनिटी से माफी मांगते हैं कि उस टाइम पे गवर्नमेंट को और अच्छे से काम करना चाहिए था रोड टू पीस नेक्स्ट नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं राजीव गांधी एंड वो अकाली लीडर से बातचीत करते हैं उनके लीडर्स और राजीव गांधी साथ में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको हम राजीव गांधी लोंगवाल अकॉर्ड या फिर पंजाब अकॉर्ड भी कहते हैं पर ये इस अकॉर्ड के बाद भी आ, पीस आने में टाइम लगता है इस अकॉर्ड में कहा जाता है कि चंडीगढ़ जो है उसे पंजाब का हिस्सा बना दिया जाएगा पंजाब एंड हरियाणा आपस में रिवर वाटर कैसे शेयर करेंगे इसके बारे में भी इस एग्रीमेंट में बात होती है आ, ऐसे लोग जिनका बहुत नुकसान हुआ वायलेंस में उनका उनको गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी ये बात भी होती है इस एग्रीमेंट में फिर भी पीस आने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है यहाँ पर एंड एक टाइम ऐसा भी होता है जब पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता है उसके बाद 1992 में एक इलेक्शन भी होता है पंजाब में पर बहुत कम लोग जाते हैं वोट देने के लिए उस इलेक्शन में मिलिटेंसी वायलेंस को हम लोग फाइनली धीरे धीरे करके पंजाब से हटाते हैं 1990s के मिडिल में पंजाब में चीजें थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती हैं अकाली दल और बीजेपी की विक्ट्री होती है 1997 में ये लोग अलायंस बनाते हैं एंड 1997 में ये लोग जीत जाते हैं उसके बाद से धीरे धीरे चीजें ठीक होती गई एंड पॉलिटिक्स फिर से सेक्युलर होने लग गया रिलीजन के आधार पर मारपीट ये सब कम होने लग गई ये पंजाब की कहानी थी नॉर्थ ईस्ट के बारे में समझते हैं नॉर्थ ईस्ट में हमारे सात स्टेट्स हैं जिनको हम लोग साथ में सेवन सिस्टर्स कहते हैं हमारे इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उनमें से सिर्फ फोर परसेंट पॉपुलेशन हमारे यहाँ सेवन सिस्टर्स में नॉर्थ ईस्ट में रहती हैं ठीक है तो 1947 के बाद नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बदलाव आया है त्रिपुरा मणिपुर खासी हिल्स मेघालय का हिस्सा है ये सब पहले प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे तो इन एरिया में बहुत ज्यादा चेंजेस आया है आए हैं नागालैंड स्टेट 1963 में बना मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय 1972 में बने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सेपरेट स्टेट 1987 में बने ठीक है तो ये इयर्स याद रखते हैं यहां से क्वेश्चन आ जाता है तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका ये मानना है और सही भी मानना है कि काफी लंबे टाइम तक डेवलपमेंट इन तक नहीं पहुंचा ठीक है इनको थोड़ा निग्लेक्ट किया गया इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया एक और कंप्लेन इनकी ये है कि नेबरिंग स्टेट से बहुत सारे आउटसाइडर्स मतलब मान लो बांग्लादेश से लोग भाग भाग कर नॉर्थ ईस्ट में जाकर सेटल हो जाते हैं इन लोगों को आउटसाइडर्स कहा जाता है मतलब ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के पार्ट नहीं है ये लोग नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं एंड जॉब ऑपरचुनिटीज वगैरह छीन लेते हैं हमारे लोगों से तो एक दिक्कत ये भी है नॉर्थ ईस्ट में ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं एक टाइम ऐसा था जब मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सारे जो स्टेट्स थे वो साथ में थे एंड वो सब आसाम का पार्ट थे पर जो लोग नॉन आसामीज थे उनको ऐसा लगता था कि आसाम गवर्नमेंट उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है ठीक है तो धीरे धीरे यहां पर लोग आवाज उठाने लगते हैं कि हमें तो सेपरेट स्टेट बनाना है ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन बाद में ये एक पार्टी बनाते हैं ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस नाइनटीन ठीक है और ये लोग डिमांड करने लग जाते हैं कि हमें आसाम से हटना है हमें खुद का स्टेट चाहिए तो अलग अलग टाइम पीरियड में हम मेघालय मिजोरम अरुणाचल इन स्टेट्स को बनाते हैं ध्यान रखना पहले ये सब आसाम का ही पार्ट हुआ करते थे त्रिपुरा मणिपुर को भी हम स्टेट हुड प्रोवाइड कर देते हैं 1972 तक नॉर्थ ईस्ट का सारा रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है बोडोस करबीस दिमासास ये भी कुछ कम्युनिटीज़ जिन जिन्होंने डिमांड रखी थी कि इनको सेपरेट स्टेट चाहिए पर हम इनको सेपरेट स्टेट तो नहीं दे पाते क्योंकि एक एरिया को तुम कितना ही बांटते चले जाओगे कहीं तो जाकर तुम रुकोगे ना कि इससे छोटा स्टेट अब हम नहीं बना सकते पर इनको थोड़ी बहुत हमने आजादी दी अंडर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर हमने इन्हें कुछ कुछ पावर्स दे रखी हैं मूवमेंट मूवमेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा मूवमेंट जहां पर तुम ये बोल रहे हो कि मुझे इंडिया छोड़ना है और खुद का देश बनाना है ठीक है तो मीजो हिल्स का जो एरिया है इनकी बात करते हैं तो मिजोस में कुछ लोगों का मानना था कि यार हम तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट ही नहीं थे तो हम इंडिया का भी पार्ट नहीं बने हमें खुद का एक देश बनाना है एक टाइम ऐसा आता है जब मीजो हिल्स के लोग कमिन के से, के वजह वजह से, से भूख मर रहे होते हैं, और आसाम गवर्नमेंट इनके ऊपर ध्यान ही नहीं देती तो ये लोग और आवाज उठाने लगते हैं कि हमें तो हटना है इंडिया से तो ये लोग जो भी लोग गुस्सा थे ये लोग मीजो नेशनल फ्रंट बनाते हैं एंड इनके जो लीडर थे उनके लीडर का नाम था लाल देगा 1966 में ये लोग वायलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ 20 इयर्स तक मीजोज और इंडियन आर्मी के बीच में लड़ाई ही चलती रहती है ये जो मीजोज थे इनको पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा था वायलेंस फैलाने में एंड इस पूरे टाइम लड़ाई झगड़े में लोगों की डेथ ही हो रही थी तो टू डेकेट्स के बाद हमारी गवर्नमेंट को और उनके लोगों को भी एहसास होता है कि ऐसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है लाल डेंगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं एंड फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं राजीव गांधी और लाल देंगा साथ में मिलकर एक पीस एग्रीमेंट को साइन करते हैं एंड उसके बाद मिजोरम जो है उसे प्रॉपर मिल चुका है। और एम एन एफ के लोग बोलते हैं कि हमें अब ससेशन नहीं करना हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे लाल डेंगा वहां के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं आज के टाइम पे मिजोरम वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एरियाज में से एक है ऐसी ही कोई सिमिलर कहानी है नागालैंड की भी पर नागालैंड को हैप्पी uh, एंडिंग नहीं मिली यहाँ के लीडर थे अंगामी हंगामी फीजो एंड फीजो uh, से बहुत बार इंडियन गवर्नमेंट ने बातचीत करने की कोशिश तो करी पर फीजो ने बार बार बोला कि हम लोग नेगोशिएशन करने के लिए रेडी नहीं है फिर क्या होता है नागा नेशनल काउंसिल बनाई जाती है ये लोग बहुत भयंकर वायलेंस करते हैं एंड बार बार कोशिश की गई है वायलेंस को सॉर्ट करने की पर नागालैंड का जो इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है एक और दिक्कत क्या है आउटसाइडर्स की दिक्कत नॉर्थ ईस्ट के लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास लिमिटेड जॉब्स हैं पर दूसरे देश के लोग नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं वो हमारे रिसोर्सेज और हमारे जॉब्स को छीन कर जा रहे हैं एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग माइनॉरिटी हो जाएंगे और बाकी देश के ये ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो लोग मेजोरिटी में रहेंगे उनको ज्यादा फायदा होगा ठीक है इसी के चलते 1979 में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन बनाया जाता है ये लोग आवाज उठाते हैं कि इलीगल माइग्रेशन को अब हम लोग नहीं सहेंगे ठीक है ये लोग डिमांड करते हैं कि 1951 के बाद जो भी आउटसाइडर्स आए हैं नॉर्थ ईस्ट में उनको वापस भेज देना चाहिए तो इस दौरान बहुत ज्यादा वायलेंस भी होता है बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है छह साल तक वायलेंस चलता रहता है फिर राजीव गांधी यहाँ पर भी जाकर लीडर्स से बात करते हैं और 1985 में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया जाता है इस एग्रीमेंट में बोला जाता है कि बांग्लादेश वॉर के बाद जो भी लोग इंडिया में आए हैं उनको आइडेंटिफाई करके वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा ए और आसाम गन संग्रम परिषद ये लोग साथ में मिलकर एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था आसाम घन परिषद ए जी पी और ये लोग 1985 में जीतते भी हैं इलेक्शन और ये अपनी जनता से प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग आउटसाइडर्स को भगाएंगे और हम एक गोल्डन आसाम लेकर आएंगे पर ये सब तो ठीक है प्रॉमिस हो गया अग्रीमेंट हो गया पर आउटसाइडर्स का जो इशू है आज के टाइम पर भी ये बहुत बड़ा इशू है ठीक है तो मिजोरम में भी चकमा रेफ्यूजी के खिलाफ आवाज उठाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में भी ये इशू बहुत बड़ा इशू है तो इन सारी कहानियों से हमें क्या क्या सीखने को मिला सबसे पहले हमें ये सीखने को मिला कि बहुत नॉर्मल होता है डेमोक्रेसी में कि अलग अलग एरिया के लोग अपनी आवाज उठाएं ठीक है थीके? तो ये हर डेमोक्रेसी में ये होता ही है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं अलग अलग कंट्रीज में श्रीलंका में भी हो रखा है जबकि इतनी छोटी कंट्री है वो तो सेकेंड लेसन हमें क्या सीखने को मिला कि हमेशा डेमोक्रेटिक तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ठीक है जैसे बातचीत करो नेगोशिएशन करो तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी थर्ड चीज हमें सीखने को मिला कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जरूरी है अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा ऐसे लोग जिनके हाथ में कम पावर है वो कंफ्लिक्ट करेंगे फोर्थ लेसन हमें क्या सीखने को मिला रीजनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट में पूरे देश में बराबर तरीके से डेवलपमेंट करो हर जगह बराबर डेवलपमेंट पहुंचाने की कोशिश करो और हमें इन सारी कहानियों से ये भी समझ में आया कि हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने कितना आगे तक सोचकर हमारा संविधान बनाया हमारा संविधान कितना फ्लेक्सिबल है कितना बढ़िया है इसीलिए हम इतने सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स को संभाल पाते हैं जब भी सेपरेटिज्म की बात हो देश में तो उसे डेमोक्रेटिक तरीके से सुलझाओ है ना किसी भी जगह को हमें ऐसे प्रमोट नहीं करना चाहिए कि हाँ यार तुम तो सेपरेटिज्म करो इंडिया से हट जाओ हमें डेमोक्रेटिक तरीके से उन इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए डन एक और चैप्टर हमारा खत्म हो गया है मैं आप लोगों के कॉमन सेक्शन लगा रही हूं एक लास्ट चैप्टर और है फिर तुम्हारा आ, ये मैराथन खत्म हो जाएगा डन है आगे बढ़े हम्म बताओ जल्दी जल्दी हाँ भूमि लास्ट चैप्टर है अनवी सुपर क्लियर ओके मैम नोट्स शारवी मैं रात को टेलीग्राम पर नोट्स भेज दूंगी बेटा ठीक है हाँ ओके रिहा क्लियर कृष्णा क्लियर ठीक है मैं थोड़ा सा पानी पी रही हूं यार फिर हम लोग लास्ट चैप्टर करते हैं तो टारगेट बनाकर चलते हैं कि पंद्रह मिनट में हमें अपना लास्ट चैप्टर फिनिश करना है ठीक है ओके okay. ठीक है रेडी है सब लोग स्टार्ट करें हम्म hmm. अभिराज हाय कैसे हो आप कूल है गौरी ठीक है सुपर रेडी ओके okay. चलो आगे बढ़ते हैं मैं फिर से याद दिला रही हूं इस क्लास के बाद हम लोग नौ बजे मिलेंगे मुझे पता नहीं है नौ बजे मेरे गले की हालत क्या होगी पर मिलेंगे जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस करेंगे नौ बजे ठीक है चलो यार आगे बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये अब हम फिनिश करते हैं ओके okay? चलो तो 1990s का थोड़ा कंटेक्स्ट हम समझते हैं राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद और ये जो डेकेड था एटीज uh, का इसमें हम देखते हैं कि पांच चेंजेस हमें अपने इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिलते हैं तो हमारे एनसीआरटी में क्या कर रखा है इन पांचों चेंजेस को एक एक लाइन में समझा रखा है फिर आगे बड़े बड़े टॉपिक्स में समझा रखा है ठीक है तो मैंने वो पांच लाइन स्किप कर दिया और मैंने डायरेक्ट मेन टॉपिक पकड़ लिया यहाँ पे हमें सब डिस्कस ही करना है इन डिटेल तो क्या क्या चेंजेस आ रहे थे वो डिस्कस करते हैं तो 1989 के बाद क्या होता है हम देखते हैं कि एक कोशन का ट्रेंड आने लग जाता है हमारे देश में ठीक है नेशनल फ्रंट की अगर हम बात करें तो ये एक अलायंस था जहां पे जनता दल और कुछ रीजनल पार्टी साथ में काम कर रहे थे ठीक है तो इस टाइम पर नेशनल फ्रंट को दो पार्टी सपोर्ट करती हैं एक तो बीजेपी और एक लेफ्ट फ्रंट के लोग पर बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट के लोग नेशनल फ्रंट से बोलते हैं कि आ, हम लोग कोयलेशन तो बना लेंगे पर हम तुम्हारी गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे हम बाहर से तुम्हारी मदद करेंगे तो ये कार्टून है इस सिचुएशन का मजाक उड़ाते हुए कि बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट बाहर से मदद कर रहे हैं बाहर से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेशनल फ्रंट को ठीक है नेक्स्ट इस दौरान हम देखते हैं कांग्रेस की पावर बहुत तेजी से गिरने लग जाती है एंड अलग अलग पार्टीज को यह एहसास होने लगता है कि कांग्रेस को हराया जा सकता है है ना बीच में तो हम देख रहे थे बार बार इंदिरा गांधी पावर में आ रही थी आ, पर अब क्या होता है कांग्रेस की पावर काफी कम हो जाती है पर ध्यान रखना कांग्रेस के पावर कम होने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस की जगह किसी और बड़ी पार्टी ने ले लिया था ऐसा भी नहीं था कांग्रेस की पावर चली गई थी पर कोई और पार्टी कांग्रेस की जगह भी नहीं ले पा रही थी तो बाकी सारी पार्टी गठबंधन बनाए जा रहे थे कांग्रेस को हराने के लिए तो इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम का एक टाइम पीरियड इंडिया में स्टार्ट होता है ध्यान रखना इंडिया में हमेशा से मल्टी पार्टी सिस्टम रहा है है ना, पहले इलेक्शन से मल्टीपल पार्टीज ने पार्ट लिया है हमारे इलेक्शन में पर ये 1989 के बाद हम देखते हैं कि गठबंधन का एक ट्रेंड आने लगता है जो भी पार्टी पावर में आ रही होती है वो कोयलेन ही बना रही होती है ठीक है नेक्स्ट अलायंस पॉलिटिक्स इस दौरान दलित एंड ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बढ़ने लग जाता है यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जब पावर में आती है नाइनटीन में तब भी ओबीसी एंड दलित्स के सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा हमारे पॉलिटिक्स में यूनाइटेड फ्रंट क्या है ये नेशनल फ्रंट की तरह ही एक अलायंस है यूनाइटेड uh, फ्रंट में भी जनता दल और कुछ रीजनल पार्टीज थी पर यूनाइटेड फ्रंट को बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही थी यूनाइटेड फ्रंट को कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी तो इससे हमें दिखता है कि हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स कितनी इनस्टेबल uh, है क्योंकि 1989 में क्या था लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी नेशनल फ्रंट को सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को हराने के लिए पर 1996 तक आते आते लेफ्ट तो सपोर्ट कर रही थी पर कांग्रेस सपोर्ट करने लग गई थी बाकी पार्टीज को ताकि बीजेपी पावर में ना आए पर इसके बावजूद 1999 और 1996 के बीच में बीजेपी uh, अपनी पावर धीरे धीरे करके बढ़ाती जाती है 1996 के इलेक्शन में तो हम देखते हैं कि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी रही ठीक है पर फिर भी बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती क्योंकि बहुत सारी पार्टीज ऐसी थी जो कि बीजेपी के आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करती थी फाइनली एक गठबंधन के थ्रू बीजेपी पावर में आती है मे 1998 से लेकर जून 1999 तक और अक्टूबर 1999 में इन दोनों टाइम अटल बिहारी वाजपेयी हमारे मेन लीडर थे प्राइम मिनिस्टर थे ये ठीक है तो 1999 में तो ये प्रॉपर अपना फुल टर्म भी कंप्लीट करते हैं ठीक है उसके बाद से लेवन गवर्नमेंट बनी है ठीक है 1989 को हम क्यों कहते हैं कि पोलेशन का ट्रेंड स्टार्ट हुआ क्योंकि उसके बाद से लेवन गवर्नमेंट बनी एंड वो ग्यारह की ग्यारह गवर्नमेंट इस तरीके से बनती थी कि गठबंधन होता था कोयलेशन होता था अलायंस होता था तभी गवर्नमेंट बनती थी ठीक है तो ये जो नया ट्रेंड चल रहा था हमारे देश में इसमें छोटी छोटी रीजनल पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था तो 1989 में नेशनल फ्रंट यूनाइटेड फ्रंट 1996 में जीतती और 1997 में एनडीए 1997 में बीजेपी की एक कोईलेशन 1998 में NDA 1999 में यूपीए 2004 और 2009 में ये अलग अलग अलायसेज हैं ये कोयलेशन का ट्रेंड 2014 में खत्म होता है जब बीजेपी अकेले जीतने लग जाती है ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अगर आप बहुत पहले के कांग्रेस सिस्टम को देखो तो उसमें भी ना गठबंधन ही होता था हमने पढ़ा था ना कि कांग्रेस में फैक्शन बहुत थे अलग अलग आ, सोच विचार के लोग साथ में काम कर रहे थे तो एक तरीके से हमारे पुराने कांग्रेस में भी क्या था कोयलेषन ही चल रहा था ठीक है नेक्स्ट 1977 के बाद हमने देखा कि बहुत सारे रीजनल पार्टीज बनने लगे है ना हमने ये भी देखा कि कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होने लगती है पर एक पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है कि कांग्रेस कमजोर पड़ने लगी इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और पार्टी ने कांग्रेस की जगह ले ली इस टाइम पर कोयलेशन ही चल रहा था ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जा रहा था ठीक है तो ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस ये ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं जो ना ही एस हैं, ना ही एस हैं, पर ये इस कैटेगरी में आते हैं जिन्हें हिस्ट्री में बहुत ज्यादा सप्रेस किया गया था ठीक है तो आ, धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं इनका पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन बढ़ने लग जाता है एंड नॉन कांग्रेस जो पार्टीज हैं उनको पर्टिकुलरली बैकवर्ड क्लास के लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लग जाते हैं ठीक है नेक्स्ट जनता पार्टी गवर्नमेंट 1977 में जीतती है ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ठीक है तो भारतीय क्रांति दल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इन सबको ओबीसी और रूरल लोग ही वोट करके जिता रहे थे तो इनका सपोर्ट बेस ओबीसी हुआ करता था मंडल इंप्लीमेंटेड ये समझते हैं तो जनता दल क्या करती है आ, ओबीसी के सपोर्ट में पॉलिसीज लाना स्टार्ट करती है नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट है ये मंडल कमीशन के रेकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करती है बेसिकली इस रेकमेंडेशन में क्या कहा जा रहा था कि ओबीसी को रेजर्वेशन मिलनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में ठीक है तो इस दौरान पॉलिटिक्स में पार्टीज क्या कर रहे थे ओबीसी का सपोर्ट जीतने की कोशिश कर रहे थे ठीक है एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये पार्टीज क्या बोलते थे कि हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में ओबीसी लोग बहुत ज्यादा हैं तो हमें इन्हें बढ़िया रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए पॉलिटिक्स में भी इन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल फॉल पौल ठीक है तो नाइनटीन में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन बैमसेफ बनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्या होता है Uh, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुजन के सपोर्ट में एस सी एस टी ओबीसी के सपोर्ट में बोलना स्टार्ट कर देते हैं इसके बाद दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई जाती है जिसे बाद में हम बहुजन समाज पार्टी कहते हैं बीएसपी एंड बीएसपी के मेन लीडर होते हैं हमारे कांशीराम ठीक है तो बी को सपोर्ट कौन कर रहा था मेनली दलित वोटर्स पंजाब हरियाणा और यूपी में 1989 और 1991 में इलेक्शन में ये पार्ट तो लेते हैं ठीक है एंड इन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट कहाँ से मिल रहा होता है यूपी से मिल रहा होता है दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया ये पहली बार हो रहा था हमारे देश में आजादी मिलने के बाद कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे सबसे ज्यादा दलित वोटर्स सपोर्ट कर रहे हैं वो पार्टी इलेक्शन में सक्सेसफुल हो रही थी ठीक है तो इस दौरान बी जो है ये बहुत प्रैक्टिकल तरीके से पॉलिटिक्स करती थी इन्हें समझ में आ गया था कि ओबीसी एस सी एस टी ये सब मेजोरिटी में है तो अगर हम इनके लिए काम करेंगे तो ये लोग हमें वोट देंगे और, और हम लोग आसानी से जीत जाएंगे नेक्स्ट कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी इसके बारे में समझते हैं तो इमरजेंसी के बाद भारतीय जनसंघ जो है ये जनता पार्टी के साथ मर्ज हो जाती है ठीक है फिर बाद में जब जनता पार्टी टूटने लगती है तो जो पहले जनसंघ के सपोर्टर्स थे वो लोग साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनाते हैं नाइनटीन में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बीजेपी गांधीयन सोशलिज्म गांधी जी के आइडियोलॉजी के ऊपर विश्वास रखते थे पर इन आइडियोलॉजीज के थ्रू इनको ज्यादा वोट नहीं मिलते तो 1986 में ये लोग हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं ये लोग हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाने लगते हैं ठीक है और हिंदूस को मोबलाइज करने लग जाते हैं सपोर्ट जीतने के लिए तो हिंदुत्व का लिटरली मतलब क्या होता है हिंदूनेस ठीक है एंड ये इस वर्ड के ओरिजिनेटर कौन है वी डी सावरकर ठीक है तो बेसिकली इनके हिसाब से मतलब क्या है हिंदुत्व का कि अगर आप इंडियन नेशन के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया आपका है और इंडिया आ, इंडिया आपके लिए पुण्य भूमि भी है इंडिया हमारा फादरलैंड भी है और इंडिया हमारा होली लैंड भी है तो जो लोग हिंदुत्व के ऊपर विश्वास रखते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपको एक स्ट्रांग नेशन बनाना है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशनल कल्चर होना चाहिए जो कि आपको सिर्फ हिंदू कल्चर से ही मिल सकता है इस दौरान दो चीजें होती हैं जिससे पॉलिटिक्स में बदलाव आता है ठीक है और एक तो था हमारा शाहबानो केस 1985 में एक 62 टू ईयर ओल्ड लेडी थी मुस्लिम वुमेन थी अः ये क्या करती हैं ये केस फाइल करती हैं इनका डिवोर्स हो रखा था तो ये केस फाइल करती हैं कि मेरे जो हस्बैंड है उन्हें मेंटेनेंस देना चाहिए मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ठीक हाँ है सही कह रहे हो आपके हस्बैंड को मेंटेनेंस देना चाहिए पर मुस्लिम्स में जो बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को पसंद नहीं करते और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो मुस्लिम पर्सनल लॉस के खिलाफ कह रही है उस दौरान कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी तो कांग्रेस क्या करती है एक एक्ट पास करा देती है मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 और इस एक्ट से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो चीज कैंसल आउट हो रही थी तो बीजेपी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करती है कि तुम लोग तो ऐसे एक्ट इसीलिए ला रहे हो ताकि जो माइनॉरिटीज हैं मुस्लिम तुम उनका सपोर्ट जीत पाओ ठीक है नेक्स्ट और क्या होता है इस टाइम पे अयोध्या डिस्प्यूट की शुरुआत होती है तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फेब्रवरी 1986 में एक ऑर्डर लेकर आता है यहां से धीरे धीरे ये इशू स्टार्ट होता है ये लोग ऑर्डर लेकर आते हैं कि बाबरी मस्जिद के एरिया को ओपन कर दो बाबरी मस्जिद को अनलॉक कर दो ताकि जो हिंदूज हैं वो अंदर जा सके और वो अपना प्रेयर कर सके तो बहुत सालों से बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में था उसे लेकर डिस्प्यूट चलता आ रहा है बाबरी मस्जिद जो है सिक्सटीन सेंचुरी में बनाया गया एक मस्जिद था अयोध्या में ये मीर बाकी ने बनाया था जो कि बाबर जो एक मुगल एम्पर थे उनके जनरल थे तो हिंदूस का मानना है कि यहां पर एक टेम्पल हुआ करता था राम टेम्पल हुआ करता था उस टेम्पल को तोड़ा गया और अयोध्या बर्थ प्लेस है लॉर्ड राम का उस टेम्पल को तोड़ा गया एंड उसकी जगह ये मस्जिद बनाया गया लेट 1940s में इस इशू को लेकर इतनी बातचीत होती है कि मस्जिद के एरिया को लॉक कर दिया जाता है ताकि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो फिर क्या होता है आ, एक ऑर्डर आता है कोर्ट से कि लॉक को खोल दो हिंदू को जाकर अंदर प्रे करने दो जैसे ही ये ऑर्डर आता है हिंदूज एंड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के बीच में टेंशन और वायलेंस बढ़ने लग जाता है इस दौरान तो बीजेपी इस इशू को अपना मेन इशू बना लेती है इलेक्शन के लिए ठीक है कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट था इस केस में और इस टाइम पर क्या चल रहा था लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन चल रहा था एंड हिंदूस एंड मुस्लिम्स के बीच में बहुत टेंस माहौल था बीजेपी इस टाइम पर पब्लिक सपोर्ट जीतने के लिए क्या करती है एक रथ यात्रा अनाउंस कर लेती है कि हम लोग गुजरात के सोमनाथ से यूपी के अयोध्या तक एक रथ यात्रा करेंगे हिंदूस को मोबिलाइज करने के लिए बेसिकली एक रथ यात्रा अनाउंस कर दिया जाता है दिसंबर 1992 में एक कर सेवा ऑर्गेनाइज करा जाता है मतलब जो भी लोग आकर वहां पर हिंदू टेम्पल बनाना चाहते हैं वो लोग पहुंच जाओ अयोध्या तो ऐसे अनाउंस कर दिया जाता है एंड इस टाइम पर अयोध्या में बहुत ही टेंस सा सिचुएशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है कि आप लोग नजर रखना कि अयोध्या में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो हजारों में लोग पहुंचते हैं और 6 दिसंबर 1992 को क्या होता है मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाता है तोड़ दिया जाता है तो ये इमेज है उस टाइम की जैसे ही ये होता है ऑल ओवर द कंट्री हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में बहुत भयंकर वायलेंस होने लग जाता है जैसे मुंबई में जनवरी 1993 में दो हफ्ते तक हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में वायलेंस चलता रहता है ठीक है तो ऐसे में क्या होता है हमारी जो रूलिंग पार्टी होती है वो बीजेपी ऐसे जो भी स्टेट्स थे जहां पे बीजेपी रूलिंग पार्टी थी वहां पर बीजेपी को डिसमिस कर दिया जाता है ठीक है तो ऐसे जो भी स्टेट्स थे जहां पर बीजेपी रूलिंग पार्टी थी वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है यूपी के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके खिलाफ एक केस करा जाता है क्योंकि उनसे बोला गया था ना कि आप ध्यान रखोग स्टेट में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो पर वो नहीं रख पाते ध्यान तो उनके ऊपर केस हो जाता है कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब आपने कोर्ट की बात नहीं मानी ठीक है नेक्स्ट क्या होता है इस दौरान लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं कि देश में जो भी हो रहा है वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है है ना हम अलग अलग रिलीजन को बराबर तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं लोग ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि क्या इंडिया भी एक ऐसा देश बन जाएगा जहां मेजोरिटी रिलीजन को ज्यादा फायदे मिल रहे हैं ठीक है तो ये सारे इश्यूज चल रहे थे लोग ये भी डिबेट कर रहे थे कि क्या हमारी इंडिया में ऐसा होने लगेगा कि लोग इलेक्शन जीतने के लिए रिलीजियस चीजों के ऊपर ध्यान देने लगेंगे ये सारे डिस्कशन चल रहे थे नेक्स्ट क्या था हमने देखा है कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइम पीरियड में रिलीजन के आधार पर वायलेंस हो रखा है चैप्टर एट में आपने पढ़ा 1984 में एंटी सिख राइट चला था फेब्रवरी मार्च 2002 में गुजरात में मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था ठीक है तो अलग अलग टाइम पीरियड में हमने देखा है कि रिलीजन के आधार पर वायलेंस होता है तो ये जब हम सुनते हैं तब हमें समझ में आता है कि देश में सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस में आपको समझाया जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि कांग्रेस की पावर कम होने लग जाती है एंड बीजेपी धीरे-धीरे पावर में आने लग जाता है लोकसभा इलेक्शन 2004 के बारे में समझते हैं एनडीए वाज डिफीटेड एनडीए हार जाता है और एक नया कोएलिशन गवर्नमेंट बनता है इस नए कोशन गवर्नमेंट के लीडर होते हैं कांग्रेस एंड इस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए कहा जाता है ठीक है तो लेफ्ट फ्रंट की जो पार्टीज थी वो भी इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे तो क्या इसका मतलब है कि 2004 के बाद कांग्रेस ठीक हो गई कांग्रेस रिवाइव हो गई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इनफैक्ट 2004 का जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस और बीजेपी को लगभग ऑलमोस्ट सेम सेम से ही वोट मिले हुए होते हैं इस टाइम पीरियड में में 1990s में हम देखते हैं कि इंडिया में जितनी भी पार्टीज थी हम उनको चार ग्रुप में बांट सकते थे एक ऐसी थी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी एक ऐसी पार्टीज जो बीजेपी के साथ काम कर रही थी एक ऐसी पार्टीज जिनको हम लेफ्ट फ्रंट पार्टीज कहते हैं एंड कुछ ऐसी पार्टीज जो इन तीनों ही कैटेगरी में नहीं पड़ती है नेक्स्ट ग्रोइंग कंसेंस ग्रोइंग कंसेंस मतलब इस टाइम पीरियड में अलग अलग पार्टीज थी पर कुछ चीजें ऐसी थी जिनको लेकर सारी पार्टीज एग्री कर रही थी कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं फर्स्ट सारे पार्टीज एग्री कर रहे थे कि नए इकोनॉमिक पॉलिसी जरूरी हैं। राजीव गांधी लेकर भी आए थे नए इकोनॉमिक पॉलिसीज उस टाइम पे तो उन्हें क्रिटिसाइज करा जा रहा था पर उनके बाद जो भी गवर्नमेंट आई उन्होंने भी वही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉलो करा सेकंड इस टाइम पे सारी पार्टीज ये समझने लग जाती हैं कि पॉलिटिक्स में बैकवर्ड कास्ट का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है बैकवर्ड कास्ट का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बढ़ता गया नेक्स्ट सारी पार्टीज को ये समझ में आता है जो छोटी पार्टीज हैं जो स्टेट लेवल पार्टीज हैं वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि को का टाइम पीरियड चल रहा था ये छोटी छोटी पार्टीज जिसकी भी साइड ले लीती थी, थी वो पार्टीज जीत जाती थी तो सारी पार्टीज को समझ में आया कि स्टेट लेवल पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और क्या हमें सीखने को मिला हमें ये समझ में आया कि प्रैक्टिकल तरीके से पॉलिटिक्स लोग करने लगे थे तो इस टाइम पर अलग अलग पार्टीज के सोच विचार नहीं मिलते थे पर वो फिर भी साथ में काम करते थे ये सोचकर कि साथ में काम करेंगे तो वोट्स मिलेंगे जैसे कि बहुत सारे पार्टीज थे जो एनडीए का पार्ट थे जो बीजेपी के हिंदुत्व पर विश्वास नहीं रखते थे पर फिर भी एनडीए में साथ में काम कर रहे थे ये सोचकर कि एनडीए में काम करेंगे तो वोट मिलेगा हम लोग जीत जाएंगे इस टाइम पर पॉलिटिक्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई थी पहले तो क्या था कांग्रेस आराम से जीतती रहती थी इस टाइम तक आते आते हमारे पॉलिटिक्स में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था लास्ट में आपको ये बताया जा रहा है इस पूरे बुक में आपने बहुत कुछ पढ़ा आप डेमोक्रेसी को और अच्छे से समझने लगे हो पर फिर भी डेमोक्रेसी को प्रिडिक्ट कर पाना इतना आसान काम नहीं है ठीक है इसी के साथ हमारा ये मैराथन फाइनली खत्म हो गया है ओके okay, तो कन्फेटी टाइम यार यार अब तो क्लैपिंग बनती है ठीक है बुक वन भी खत्म बुक टू भी खत्म आगे का क्या प्लान है डिस्कस करते हैं आज नौ बजे मिलेंगे नौ बजे की क्लास का लिंक इस चैनल के कम्युनिटी पर भी है मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा दिया है मैंने टेलीग्राम पर भी डलवा दिया तो जहां पर भी तुम कनेक्टेड हो वहां से लिंक उठा लो और रात के नौ बजे वाले क्लास में आ जाओ पोल सेशन करेंगे बुक टू के क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे हम लोग अपने टू डू लिस्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं क्या क्या हो गया बुक वन मैराथन हो गया बुक टू मैराथन हो गया आज बुक टू का पोल सेशन करेंगे कल यूट्यूब पर क्या होगा कल 3:30 थर्टी पी एम बुक वन एंड बुक टू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यूट्यूब पर लाइव करेंगे सारे बच्चे वहां पर पहुंच जाना ठीक है और फिर एग्जाम के एक दिन पहले 21 मार्च को 3:30 पीएम एक फाइनल रिवीजन करा के मैं तुम लोगों को भेजूंगी अपना एग्जाम देने के लिए ओके चलो बच्चों तो आज मेनली मुझे आप लोगों को यही आ, बताना था आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हेल्पफुल लगा अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना जब ये क्लास खत्म होगी तो शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कॉमेंट सेक्शन ओके okay, बच्चों अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ तुम लोग भी रेस्ट लो ठीक है अब हम लोग मिलेंगे अपने 9 पीएम वाले क्लास में ठीक है चलो बच्चों दैट्स इट फॉर नाउ मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू